चलो ठीक है। तो सबसे पहले जो तुम लोग को हैंड आउट दिए थे ना, उससे स्टार्ट करते हैं। कल जो होमवर्क वाला पार्ट का हैंड आउट था, उससे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले उसमें से कौन सा है? G4। G4 नेशंस के बारे में किसी को कुछ पता है? तुम्हारा ये बताओ सर, ये ग्रुप ऑफ फोर कंट्रीज है जो अपना और एक दूसरे का बिल्ड इन फॉर परमानेंट सीट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सपोर्ट करता है। उसमें ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया और जापान है। इसके साथ साथ ये लोग ये भी सपोर्ट करते हैं कि दो अफ्रीकन नेशन इसमें रहना चाहिए। और सर इसके मेन जो जो इसको अपोज करता है वो सर लीडेड बाई इटली है। वो कहता है कि रेदर देन परमानेंट नेशन का सीट इंक्रीज करने से जो इलेक्टेड टेम्प्ररी नेशंस होते हैं उनका सीट इंक्रीज करना चाहिए। हर एक दो साल के चार इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर्स जो इलेक्ट होते हैं इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। चलो ठीक है। मेन देखो तुमको क्या समझना है कि यूएन के अंदर बहुत सारी बॉडीज हैं, ठीक है? यूएन के अंदर बहुत सारी बॉडीज हैं, तो उसमें एक जो इम्पोर्टेंट बॉडी है वो कौन है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो मेन पीस मेंटेन करने का वर्ल्ड में इसकी जिम्मेवारी किसको दिया हुआ है? हमने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को दिया हुआ है, ठीक है? और अब जब तुम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जाओगे तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 जो हैं परमानेंट मेंबर हैं। P5 करके अक्सर आता है न्यूज़पेपर में, P5 करके डिनोट करते हैं। तो 5 जो हैं वो क्या है? परमानेंट मेंबर हैं जिनको हम P5 बोलते हैं। प्लस क्या है, 10 जो हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जिनका कि इलेक्शन क्या होता है? हर 2 साल बाद होता है। ओके, तो यूएन में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जिसका कि जिसको चार्ज किस चीज का दिया जाए? पीस का, ठीक है? तो इवन जैसे यूएन का फोर्स जहाँ जाएगा, यूएन का पीस कीपिंग फोर्स जहाँ जाएगा, इवन यूएन लेड प्रोटेस्ट, जैसे मान लो कि सीरिया में किसी ने अटैक कर दिया और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने प्रूव कर दिया कि नहीं ये जो अटैक है इसके अगेंस्ट हमको एक्शन लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल इराक में इन्वेजन का बात है जैसे, ठीक है? एक तो यूनिलैटरल है यूएस का, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट अगर यूएन अप्रूव करेगा तो इस तरह का एक्शन कौन अप्रूव करता है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अगर अप्रूव कर देता है तो जितने भी नेशंस हैं सबके लिए ये बाइंडिंग हो जाता है कि उस एफर्ट में आप मदद करें। तो कहाँ अटैक करना है, कहाँ पीस कीपिंग फोर्स भेजना है, सारा डिसीजन कौन लेता है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है, ठीक है? तो क्या है कि इसमें मेंबरशिप अगर जाओगे तो आज के दिन में क्या इतना है, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। हर एक नॉन परमानेंट मेंबर कितने दिन के लिए इलेक्ट होता है? 2 साल के लिए इलेक्ट होता है। और ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं रीजन वाइज होते हैं। जैसे कि रिसेंटली तुम बात जब कर रहे थे मालदीव वाला, तो मालदीव्स और इंडोनेशिया था, तो ये दोनों कम्पीट कर रहे थे जो एशिया पैसिफिक रीजन है उसके लिए, समझ में आ रहा है? तो कहने का ये मतलब है कि रीजन वाइज इलेक्ट होते हैं। ये हो गया। अब इन नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास क्या है? वीटो पावर नहीं है, जबकि इन P5 के पास क्या है? वीटो पावर है। वीटो पावर समझ में आता है सबको? वीटो पावर सिंपली है कि अगर कोई डिसीजन हो भी गया है लेकिन अगर एक भी मेंबर बोल देता है नहीं इस डिसीजन से हम सहमत नहीं है तो वो डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो केवल और केवल किनके पास वीटो पावर है? P5 के पास है। और ये ऑर्गेनाइजेशन बना कब था ये बताओ? यूएन कब बना था? 1949 वर्ल्ड वॉर के बाद बना है, ठीक है? तो इसमें यूजुअली क्या होगा, तुम P5 का कंपोजिशन अगर तुम देखोगे तो कौन कौन है P5 में? US, UK, US है, UK, UK है, रशिया है, फ्रांस है, चाइना है, ठीक है? सब जो भी विक्टर्स के साइड में थे, एक्सेप्ट चाइना में भी जो भी विक्ट्री के साइड में थे वो सारे के सारे हैं, ठीक है?
ये 1945 के बाद से ये कंपोजिशन परमानेंट मेंबर्स का कभी चेंज नहीं हुआ है। तुम अक्सर पढ़ते होगे कि रशिया जो है विरोध कर दिया, इस कारण से ये डिसीजन पास नहीं हो सका, यूएस विरोध कर दिया इसलिए ये डिसीजन पास नहीं हो सका। तो सिंपल है कि कोई भी एक पांचों में से मेंबर अगर एग्री नहीं करेगा तो कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है। इतना क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया यूएन, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, उसका कंपोजिशन, उसका इलेक्शन। ठीक है, अब क्या है कि सब लोग देखो, ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यूएन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, और चूंकि पावर वाला ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसाइड करता है कि यूएन का मिलिट्री स्ट्रैटेजिक क्या रहेगा, स्ट्रैटेजी जो होगा मिलिट्री का वो क्या रहेगा, यूएन के स्ट्रैटेजी का। तो इसमें मेंबरशिप अपने आप में क्या एक प्रेस्टीजियस चीज है, तो ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है कि कौन उसमें जाएगा। ठीक है, तो अभी इंडिया या बाकी कंट्रीज के लिए एंट्री कैसे है, नॉन परमानेंट मेंबर्स के थ्रू है। तो जी फोर ऐसे नेशंस हैं जिसमें कौन कौन नेशन है, एशिया से दो कंट्री है इंडिया और जापान, साउथ अमेरिका से एक कंट्री है ब्राजील, और यूरोप से एक कंट्री है जर्मनी। ये चारों कंट्री क्या बोलते हैं कि बाय द वर्च्यू ऑफ कि हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर देख लो, बाय द वर्च्यू ऑफ पॉपुलेशन, या हमारी हिस्ट्री देख लो पीस कीपिंग में कैसी रहे, बाय वर्च्यू ऑफ दैट वी शुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ P5, मतलब हमको भी परमानेंट मेंबरशिप दो। ठीक है, तो जिस सब अपना अपना रीजन देते हैं। फॉर एग्जांपल जापान अगर सोचोगे तो जापान भले हार गया था बट इफेक्टिवली आज के दिन में फ्रांस भी उसका पार्ट है। फ्रांस की आज के दिन में क्या औकात है, कोई औकात नहीं है। आज के दिन में इवन यूके की क्या औकात है, कोई औकात नहीं है। नाइदर इकोनॉमी में स्ट्रांग है नॉर पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उससे कहीं स्ट्रांग यूरोप में जो है जर्मनी चलाता है, पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन कौन चलाता है, जर्मनी चलाता है। जापान सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड का, इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड का, ब्राजील, और क्या ये सब का कंसंट्रेशन देखो तो इसमें लैटिन अमेरिका से एक भी कंट्री नहीं है, अफ्रीका से एक भी कंट्री नहीं है। ठीक है, तो ये चारों कंट्री का कहना है कि जो ये तुमने 1945 में तुमने P5 बना के फ्रीज कर दिया, वो आज की रियलिटी को प्रेजेंट नहीं करता। आज की रियलिटी मल्टीपोलर है, बहुत सारे नए पावर हैं, एंड इसीलिए ये सारे कंट्री अपना कैंडिडेचर पेश करते हैं कि हम भी यार परमानेंट मेंबर होने चाहिए। एट द सेम टाइम दे प्रेजेंट कि ये हमारे जो बाकी के तीन भाई हैं ये भी परमानेंट मेंबर होने चाहिए, तो दे सपोर्ट देयर कैंडिडेचर, एट द सेम टाइम दे सपोर्ट ईच अदर्स कैंडिडेचर। प्लस G4 इज एट द फोर फ्रंट ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म। कल जब IR की बात कर रहे थे मैंने कहा था UN सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इन G4 कंट्रीज आर एक्चुअली लीडिंग अ मूव वेयर दे आर ट्राइंग टू रिफॉर्म UN सिक्योरिटी काउंसिल। तो UN सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म का क्या क्या एजेंडा है, एक एजेंडा हो गया कि ये जो 15 की मेंबरशिप है इसको बढ़ा के 25 करो। क्या बोल रहे हैं कि इसमें P5 में 6 और जोड़ो, 4 हम और 2 अफ्रीका से जोड़ दो, क्योंकि अफ्रीका का एक बड़ा कंटिनेंट है। मेजर इनिशिएटिव जो यूएन का है डेवलपमेंटल वर्क वगैरह कहाँ हो रहा है, अफ्रीका में हो रहा है। पीस कीपिंग एक्टिविटी कहाँ हो रहा है, अफ्रीका में हो रहा है। सबका ध्यान कहाँ है, अफ्रीका पर है, बट अफ्रीका का एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, समझना ना। तो बोल रहा है कि पहला तो इनका मुद्दा क्या है कि तुम एक्सपेंड द क्या कर सकते हो, सीट इन, एक्सपेंड द सीट इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो दोनों सीट, परमानेंट सीट भी और नॉन परमानेंट सीट भी, क्या बोल रहा है, एक्सपेंड द सीट इन परमानेंट एंड नॉन परमानेंट पार्ट ऑफ इट। तो परमानेंट में कितने हो गए, 5 तो ऑलरेडी हैं, क्या बोल रहा है, 6 को अगर तोड़ोगे तो 4 हम प्लस 2 अफ्रीका। क्लियर है? फिर बोल रहा है कि बाकी जो बचा वो नॉन परमानेंट मेंबर अभी कितने हैं, 10 है, इसको बढ़ा के बाकी कितना हो गया, 25 करना है अगर तुमको, तो 6, 5, 11 हो गया, 14 हो गया, तो 4 उधर बढ़ाओ। समझ में आ गया, एक डिमांड हो गया। इससे क्या होगा, अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर होगा, मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन होगा, रिफ्लेक्ट करेगा।
ये क्या है कि अभी जो है लॉपसाइडेड है, वेस्टर्न कंट्री की ओर बायस्ड है, वो नहीं होगा, और जो प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं वो सारी आएंगी। इससे क्या होगा कि ठीक है, एक तो ये है, दूसरा एजेंडा इनका है वीटो रिफॉर्म। दूसरा एजेंडा इनका क्या है, बोलते हैं कि ये जो डिफरेंस है P5 और नॉन परमानेंट मेंबर्स में, ये भी जाना चाहिए। सिंपल सी बात है, आज के दिन में केवल मोस्ट ऑफ द टाइम अगर तुम देखोगे वीटो पावर कौन यूज करता है, या तो मोस्टली यूएस करता है या रशिया करता है, यही दो लोग हैं जो मोस्टली मतलब वीटो पावर यूज करते हैं। तो उसका कहना है कि इससे क्या आर्बिट्रेरीनेस है, तुम्हारे पार्टी में जो भी है उसमें लगा दो। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान यूज करता है चाइना के थ्रू इंडिया के अगेंस्ट में कई बार वीटो लगाने के लिए, मसूद अजहर वाले केस में। ठीक है, हाँ, तो उस केस में लगाने के लिए कुछ तो चाइना वीटो लगा देता है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी का जो ओरिएंटेशन है इसमें बायसनेस है बहुत ज्यादा। तो क्या गोल है कि इस वीटो पावर को या तो सबको एक्सटेंड करो या सबके पास से ले लो। तो G4 कंट्रीज का कहना है कि वीटो पावर शुड बी रिमूव्ड। इनका कहना है कि अब वीटो पावर होने के कारण क्या हो जाता है, ध्यान से सोचना, हालांकि 15 मेंबर साथ में डिसीजन लेते हैं बट P5 के पास एक्स्ट्रा पावर है। P5 जो चीज नहीं चाहेगा वो कभी भी पास नहीं हो सकता है, भले बाकी के 10 मेंबर चाहें। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? तो इफेक्टिवली क्या हो जाता है, P5 जो चाहता है वही पास होता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, जो P5 नहीं चाहता है भले ही 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स कुछ चाहें वो पास नहीं होता है। तो एक तरह से क्या है, बैलेंस ऑफ पावर भी गड़बड़ डिस्टॉर्टेड है। ठीक है, ये तो वही बात हो गई कि कैबिनेट में मिनिस्टर तो सब हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी मिनिस्टर है और कैबिनेट मिनिस्टर भी मिनिस्टर है, पर चूंकि कैबिनेट मिनिस्टर एपेक्स बॉडी है तो वो लोग जो डिसाइड करता है वही बाकी लोग इंप्लीमेंट करते हैं। तो इफेक्टिवली छोटा मोटा टुच्चा मंत्री का कोई औकात नहीं रह जाती है। तो बिल्कुल वही, तो पहला रिफॉर्म क्या है, एक्सपेंशन इन सीट बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट, खास करके परमानेंट में 6 का एक्सपेंशन, जहाँ पर कि 4 हम और 2 अफ्रीकन भाई, बाकी नॉन परमानेंट मेंबर में एक्सपेंशन। दूसरा वीटो पावर रिफॉर्म, उनका क्या कहना है कि वीटो पावर चली जानी चाहिए ताकि नॉन परमानेंट मेंबर और परमानेंट मेंबर का जो पावर प्ले है वो बैलेंस हो सके। ठीक है, और क्या करना है, अगर तुम रिफॉर्म वो चेंज नहीं करना चाहते हो तो जितने भी परमानेंट मेंबर बनेंगे एक्सपेंड करने के बाद उन सबको भी दो तुम वीटो पावर। पहला प्रेफरेंस क्या है, पूरी तरह से खत्म हो जाए वीटो पावर, और अगर वीटो पावर तुम खत्म नहीं करते हो तो एटलीस्ट हमको परमानेंट मेंबर जब बनाओगे तो हमको भी वीटो पावर दो। समझ में आ गया, और ये तो हो गया परमानेंट मेंबर का रिफॉर्म, हो गया एक्सपेंशन इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड वीटो रिफॉर्म। तो ये दो मेजर रिफॉर्म है। ठीक है, अब हम आते हैं कि G4, लेकिन क्यों ये सारी G4 की डिमांड है, G4 की डिमांड है। ठीक है, बट इशू क्या है कि तुमको भी पता है कि UNSC में कोई भी चेंज आना है तो उसका प्रोसेस क्या होगा। जो UN का जनरल असेंबली है, जनरल असेंबली में क्या है, सारे देश प्रेजेंटेड होते हैं, मतलब उसको प्लेनरी टाइप का बोलते हैं। प्लेनरी क्या होता है, जिसमें सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं। ये तो ऐसे समझ लो कि तुम्हारी पूरी क्लास हो गई, तो ये हो गया क्या जनरल असेंबली, और उसमें से मैंने बोला है कि अगले वीक में पाकिस्तान, US और क्या बोला था, चाइना, ये लोग प्रेजेंटेशन देंगे, तो वो क्या हो गए, सेलेक्टेड मेंबर हो गए। तो जनरल असेंबली क्या है, जहाँ पर UN के सारे मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, इट इज़ द लार्जेस्ट बॉडी। ठीक है, तो कोई भी UN सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म होना है तो इसके लिए यहाँ पर क्या चाहिए, 2/3 वोट चाहिए। अगर तुमको UN सिक्योरिटी काउंसिल में ये सारे रिफॉर्म पास कराने हैं तो उसके लिए तुमको क्या चाहिए, 2/3 वोट चाहिए। मतलब UN के जितने देश हैं उसके 2/3 देश सपोर्ट करने चाहिए तुम्हारे आइडिया को। ठीक है, और जब ये हो जाएगा तब ये क्या होगा, UN सिक्योरिटी काउंसिल के पास आएगा। अब UN सिक्योरिटी काउंसिल को इसको पास करना है, तो UN सिक्योरिटी काउंसिल कब पास कर सकता है, जब सारे P5 मेंबर एटलीस्ट सपोर्ट कर रहे हैं।
क्योंकि अगर कोई भी एक P5 मेंबर नहीं सपोर्ट कर रहा होगा तो क्या होगा, नहीं पास होगा। तो पहला स्टेप क्या होगा कि जनरल असेंबली 2/3 वोट से पास करेगी, सेकंड स्टेप क्या होगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पास करेगा। अब इसमें इशू क्या है, अभी तक इतने दिन से इंडिया गाना गा रहा है, इतने से तुम सुन रहे होगे कि यूएनएससी में रिफॉर्म होना चाहिए, हम नॉन परमानेंट मेंबर होना चाहिए, क्यों नहीं हो पा रहा है? ठीक है, पहला मेजर इशू है कि परमानेंट मेंबर्स को अगर तुम देखते हो, सब किसी न किसी कारण से नहीं चाहते हैं कि रिफॉर्म हो। यूएस नहीं चाहता है कि उसका पावर किसी और, क्योंकि यूएस को वीटो करने में बहुत मजा आता है, पावर अभी उसके पास पावर है, ये पावर सबके हाथ में अगर चला जाए या उसके पास से यूएनएससी रिफॉर्म के थ्रू छीन लिया जाए तो उसका पावर ही खत्म हो गया। जो उसका कंट्रोल है, ग्रिप है अभी यूएन के ऊपर, वो क्या होगा, लूज हो जाएगा। तो यूएस नहीं चाहता है, चाइना क्यों नहीं चाहता है, चाइना का तो इंडिया घुस जाएगा, चाइना का दूसरा प्रॉब्लम है जापान से भी, चाइना जापान का भी नहीं पड़ता है तो जापान से भी प्रॉब्लम है। जर्मनी घुसेगा तो उसमें फ्रांस और यूके वगैरह का डायनेमिक्स गड़बड़ होगा, समझना। तो ऊपर ऊपर सब लोग बोलते हैं हाँ बिल्कुल, आपको तो जब भी कोई भी बराक ओबामा से मिलेगा तो बोलेगा बराक ओबामा हाँ आपका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों नहीं होना चाहिए सी, पर जब वोटिंग की बात आती है तो सब पीछे जाके उल्टा वोट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। अगर सिंपल जनरल असेंबली की बात होती तो इंडिया मैनेज कर लेता, अफ्रीकन कंट्री और डेवलपिंग नेशन ये सबको पटाफट करके खत्म कर देता, पर दिक्कत क्या है कि P5 को जब तक सारे P5 वहाँ नहीं बोलेंगे तब तक होगा नहीं, और इसीलिए बहुत मुश्किल है कि G4 कंट्रीज को परमानेंट मेंबर्स बनाना, एक ये चैलेंज है। दूसरा चैलेंज क्या है, विद इन जनरल असेंबली कॉफी क्लब है एक, जिसमें क्या है कुछ लोग जो वो लोग क्या कहते हैं, अरे तुम लोग परमानेंट मेंबरशिप इसलिए लेना चाह रहे हो क्योंकि तुमको वीटो पावर यूज करना है, इससे बढ़िया है हम ये नहीं। देखो दे आर ऑल मोटिवेटेड बाय पर्सनल वेंडेटा, उसमें कौन कौन लीडर है ध्यान से देखो, इटली है, इटली को जर्मनी का नहीं चाहता है कि इटली नहीं चाहता है कि जर्मनी को परमानेंट मेंबरशिप मिले, पाकिस्तान है, इंडिया को नहीं चाहता है, अर्जेंटीना है, वो ब्राजील को नहीं चाहता है, समझ आ रहा है। तो इस तरह से वो लोग हैं ताकि वो लोग अपोज कर रहे हैं, तो उनका क्या कहना है परमानेंट सीट नहीं बढ़ना चाहिए, नॉन परमानेंट सीट बढ़ा दो तुम। लेकिन अगर तुम इफेक्टिवली सोचोगे नॉन परमानेंट सीट बढ़ाने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, डायनेमिक्स तो वही रह जाएगा, पावर तो P5 के हाथ में रह जाएगा। ओके, तो इवन G4 में जनरल असेंबली में भी ये लोग G4 के अगेंस्ट में क्या करते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाना या मोबिलाइज करते हैं, क्लियर है, ये सारी बात है। उसके बाद क्या है कि मतलब ये सारे इश्यूज हैं। ठीक है, तो G4 बेसिकली क्या है, शॉर्ट में अगर हम बोलें G4 ए ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज है, वेयर 2 कंट्रीज आर फ्रॉम एशिया, 1 कंट्री इज फ्रॉम लैटिन अमेरिका एंड 1 कंट्री इज फ्रॉम यूरोप, हु आर सीकिंग परमानेंट मेंबरशिप इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, एट द सेम टाइम दे आर लीडिंग द मूवमेंट ऑफ यूएनएससी रिफॉर्म। ठीक है, बाकी सारा डिटेल क्या क्या है, वीटो पावर का रिफॉर्म है, सीट एक्सपेंशन है। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि देखो तो नेगोशिएशन कैसे होता है, एक नेगोशिएशन क्या है कि केवल बातचीत करके छोड़ दिया, कागज पे कुछ नहीं हुआ, उस नेगोशिएशन का कोई वैल्यू नहीं है। अभी तक आई थिंक 2015 या 2017 तक जो भी नेगोशिएशन होता था वो वर्बल होता था, मतलब कागज पे कुछ नहीं हो रहा था, सब वर्बल ही हो रहा था कि होना चाहिए कि नहीं रिफॉर्म, विरोध भी हवा में हो रहा है, बोल भी लोग हवा में रहे, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। तो आई थिंक मैंने ईयर दिया होगा 2012 में शायद, 2012 के आसपास हुआ था। उसमें क्या हुआ है, पहली बार टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ, विच इज ए वेरी बिग थिंग। मतलब क्या, अब उसका डॉक्यूमेंट होगा कि हाँ मेन रिफॉर्म का एजेंडा ये है, तो क्या हो गया, कंक्रीट हो गया किस कंट्री का पोजीशन क्या है, इसमें कैसे हम लोग मान सकते हैं क्या नहीं मान सकते हैं, उसको टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन, सारे नेगोशिएशन जो रियल सेंस में होते हैं टेक्स्ट बेस्ड ही होते हैं, जो पार्ट एग्री नहीं होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, जो पार्ट एग्री हो जाता है स्क्वायर ब्रैकेट हट जाता है, ऐसे ही होता है सारे नेगोशिएशन ऐसे होते हैं। तो टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन इज न्यू थिंग विच यू कैन से एज ए सक्सेस ऑफ G4 कि नाउ, मतलब टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन का क्या मतलब है, सीरियसनेस आ गई है उसमें, मतलब नाउ यू आर मोर सीरियस अबाउट मतलब फाइनलाइजिंग समथिंग।
पहली बात ये समझ में आ गया टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन। तो टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन यूएनएससी रिफॉर्म के लिए आ गया है। प्लस क्या है, जी फोर कंट्रीज ने कॉम्प्रोमाइज करते हुए, जी फोर कंट्रीज ने क्या करते हुए कॉम्प्रोमाइज करते हुए ये प्रपोज किया है जी फोर कंट्रीज ने कि हमको तुम परमानेंट मेंबर बना दो, हमको तुम वीटो पावर नहीं दो, हम मान जाएंगे शुरुआती ईयर में हमको तुम वीटो पावर नहीं दो। तो दैट इज अ कॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड कि कम से कम वही होता है ना, धीरे धीरे पहले पैर पहले क्या होता है भाई साहब थोड़ा सा घूम बैठने दीजिए, फिर धीरे धीरे फैल जाते हो पूरा, और उसके बाद कोई और बैठता है तो उसको बोलते नहीं नहीं ये सीट तो छका हुआ है कि नहीं। तो वही बात, पहले तुम परमानेंट मेंबर बन जाओगे, फिर कुछ दिन बाद बात चलाओगे अरे बहुत दिन हो गया काहे नहीं वीटो पावर दे रहे हो, ठीक है। तो ये सारा स्ट्रेटजी है, तो ये सारा है। तो जी फोर हमने कवर कर लिया, हमने एक तरह से यूएनएससी भी कवर कर लिया एंड उसका रिफॉर्म भी कवर कर लिया। यूएन के बारे में ऐसे तुमको कोई नहीं पूछने जाएगा कि यूएन की कहानी लिखो, उसमें जो मेन इश्यूज हैं वो पूछे जाएंगे। उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, आ जाओ आ जाओ, तुमको किसने भेजा है, हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, ठीक है। तो उसमें जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट मेजर इम्पोर्टेंट इशू था वो क्या था, यूएनएससी रिफॉर्म, तो वो हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब इसको बनाकर कौन देगा, मैंने सबको समझा दिया है हल्का सा और रीडिंग करके इसको फाइनल करके कौन देगा। देखो तुम्हारा नहीं, तुम नहीं दोगे क्योंकि तुम यूएस बना रहे हो अगले वीक, चाइना कौन बना रहा है, तुम अगले वीक तुमको भी देना, यूएस चाइना हो गया और एक कौन बचा था, पाकिस्तान तो साहिबा ही नहीं है, तुम बना लोगे। तुम यूएनएससी में जितना चीज कवर किए हैं इस पे बेस्ड जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा इसको तुम कंपाइल करके मुझे भेज दोगे, ओके ठीक है तो जी फोर हो गया हमारा। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है, शांग्रीला डायलॉग। शांग्रीला डायलॉग किसका था मुकेश, बताओ। सिंगापुर गवर्नमेंट और क्या कहता है हमें लंदन बेस्ड एक कंपनी है, लंदन में इंडिपेंडेंट बॉडी है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी, उन दोनों का ही ग्रुप ये है, मतलब वो लोग करते हैं, हाँ, ठीक है ओके। चलो देखो सिंपल सा, ये पहली बात तुमको जो भी यूएनएससी रिफॉर्म बताया और जी फोर बताया ये मेंस प्रीलिम्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जी फोर मेनली तुमको प्रीलिम्स में जी फोर कंट्रीज कौन है वो इंपॉर्टेंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यूएनएससी रिफॉर्म इंपॉर्टेंट है। जी फोर बहुत कम चांस है कि डायरेक्ट पूछेगा, ये पूछ लेगा जी फोर क्या है, ये पूछ लेगा कि जी फोर और यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म को कैसे लिंक करोगे, उस तरह की चीजें पूछ लेगा। नेक्स्ट वीक विल कम टू शांग्रीला डायलॉग। शांग्रीला डायलॉग कंप्लीटली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है नेक्स्ट ईयर के लिए क्योंकि इसको इस बार कीनोट एड्रेस इसका मोदी जी ने दिया था, इसका कीनोट एड्रेस इस साल किसने दिया था, मोदी जी ने दिया था। शांग्रीला डायलॉग क्या है कि डिफेंस डिप्लोमेसी का एशिया पैसिफिक रीजन में, किस चीज का, डिफेंस डिप्लोमेसी का एशिया पैसिफिक रीजन में एक प्लेटफॉर्म है जहां पर कि गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, डिफेंस मिनिस्टर, कुछ आर्मी के पर्सनल, कुछ एनजीओस, ये सारे लोग एक जगह आते हैं और डिसाइड करते हैं कि तुम एशिया पैसिफिक रीजन में पीस कैसे लाओ, क्योंकि देखोगे तो एशिया पैसिफिक रीजन में काफ़ी डोमिनेटिंग प्लेयर्स हैं, चाइना है काफ़ी मेजर असर्टिव है, इंडिया आता है, ठीक है, यूएस है उधर, समझ में आ रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, एक तरह से डिफेंस डिप्लोमेसी का प्लेटफॉर्म है जो कि किस रीजन से डील करता है, एशिया पैसिफिक रीजन से डील करता है। हालांकि अगर तुम इसमें मेंबर्स में देखोगे तो देखना ध्यान से यूके वगैरह भी है, देखो बगल में मेंबर्स में हमें, जस्ट इसलिए मैंने वो फिगर दिया है कि तुम गलती मत करना कि इसमें केवल और केवल एशिया पैसिफिक के लोग हैं। एक तरह से तुम देखना उसमें देख रहे हो यूके दिखाई दे रहा होगा रंगे हुए में, राइट, तो जस्ट वो पॉइंट आउट करने के लिए तुमको बताया है, ठीक है। अब इसको कंडक्ट कौन करवाता है, ये सबको बहुत जल्द ये याद रख लेना, आईआईएससी करवाता है, यूके बेस्ड है, थिंक टैंक है, कहाँ होता है, हर साल सिंगापुर के एक होटल है शांग्रीला होटल, जो वहाँ का फेमस होटल है वहीं पर होता है,
उसी से नाम आता है। और ये किस लेवल की मीटिंग है? मिनिस्टर लेवल की, डिफेंस मिनिस्टर लेवल की। मोदी गए इसका मतलब ये नहीं कि मोदी हर साल जाएंगे, मोदी कीनोट स्पीकर मतलब चीफ गेस्ट टाइप का समझ लो। फॉर एग्जाम्पल G20 की मीटिंग क्या होती है? हेड्स ऑफ द स्टेट के लेवल पे होती है, उसमें मोदी जी हर बार जाते हैं, समझना है। ये मीटिंग किस लेवल की होती है? डिफेंस मिनिस्टर लेवल की होती है। WTO में जो मिनिस्टर, उसमें जो कॉन्फ्रेंस होता है जनरल, वो किस लेवल का होता है? कॉमर्स मिनिस्टर के लेवल का होता है। टॉप जो कौन लोग इंगेज हो गए WTO में? कॉमर्स मिनिस्टर जाएगा, उसमें मोदी नहीं जाएगा। हाँ, मोदी को कभी बोलने के लिए बुला गया वो अलग चीज है, समझ में आ गया। डोंट गेट कंफ्यूज कि मोदी हर बार शांग्रीला डायलॉग में जाएंगे, ठीक है। डिफेंस मिनिस्टर के लेवल की मीटिंग है, NGO अभी बताया कि मतलब डाइवर्स पार्टिसिपेशन भी होता है, ओपन रहता है। शांग्रीला में होता है, सिंगापुर में होता है, डिफेंस डिप्लोमेसी का है, एशिया पैसिफिक रीजन का। इतना अगर आपको पता है तो प्रीलिम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट आपको पता है और इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको पहले ही छांट के रखा है, ठीक है। ये शांग्रीला डायलॉग एक चीज में मेंस में आप यूज कर सकते हो। इस बार का शांग्रीला डायलॉग इम्पॉर्टेंट था दो कारण से। पहला, मोदी जी ने हमारा कीनोट स्पीच दिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। दूसरा, इस बार क्वाड यानी कि US भी बोला, जब इंडिया भी जब बोला, जब ऑस्ट्रेलिया बोला और जब जापान बोला, अभी तक इसको एशिया पैसिफिक बोलते थे, इन लोगों ने इंडो पैसिफिक बोला इसको। केवल वर्ड का चेंज है बट अपने आप में एक सिग्निफिकेंस है। जब तुम इंडो पैसिफिक बोल रहे हो इसका मतलब तुम क्या करो, इंडिया हैज ए मेजर रोल टू प्ले। तो इन लोगों ने उसको जो एड्रेस किया उसको एज ए इंडो पैसिफिक किया, तो दिस इज ए मेजर शिफ्ट। एशिया पिवट पॉलिसी तुम अक्सर सुनते रहते हो कि US का एशिया पिवट पॉलिसी, मतलब एशिया का फोकस कहाँ पर है, तो इट शोज कि इंडिया बिकम्स इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ US एशिया पिवट पॉलिसी। इट क्लियरली शोज कि इंडिया बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर इन एशिया पिवट पॉलिसी ऑफ US, समझ में आ रहा है। इसके बारे में और पढ़ो, लास्ट पैराग्राफ पढ़ो तो हमें। US ने अपना जो पैसिफिक कमांड था उसका नाम बदल के क्या रख दिया, US इंडो पैसिफिक कमांड रख दिया। तो दिस क्लियरली शोज की इम्पोर्टेंस US इज गिविंग टू इंडिया। तो इन दो पॉइंट्स से इसको तुम US के US वाले में भी ऐड कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। हाउ इंडिया US रिलेशनशिप फ्लोरिशिंग, वहाँ भी स्ट्रेटेजिक तुम एंगल दिखा सकते हो कि शांग्रीला डायलॉग में US हैज गिवन इम्पोर्टेंट प्रेफरेंस टू इंडिया। ये हो गया, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। TPP एंड CPTPP बहुत ज़्यादा इन दोनों में डिफरेंस नहीं है। TPP पता है सबको, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप पता है सबको, तुमको पता है सुजीत? देखो ये जानना, जो ये वाला पॉइंट है ये तुमको मेंस और प्रीलिम्स दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो TPP क्या है? अच्छा अमित बताओ, तुमने तैयार किया बताओ। इसमें 12 पैसिफिक रिम की कंट्रीज स्टार्टिंग में थी, उसमें फिर US विड्रॉ कर दिया। इनका टारगेट था कि जो टैरिफ बैरियर्स है उसको लो करना है, सो दैट द ट्रेड कैन फ्लरिश विद अमंग दिस कंट्रीज। देखो ठीक है, देखो टीपीपी और CPTPP इनको मैं एक साथ ले रहा हूँ, ठीक है। TPP बेसिकली क्या था, 12 कंट्रीज का ग्रुपिंग था। 12 कंट्रीज में जो प्रोमिनेंट थे वो कौन कौन थे? US, जापान। अब देखो जहाँ US जाएगा वहाँ साथ में कनाडा को, मैक्सिको को खींच के ले ही जाएगा, ठीक है। जापान हो गया, अब इधर आ जाओ जहाँ ऑस्ट्रेलिया जाएगा साथ में न्यूजीलैंड चिपक के चला जाएगा। और सारे कंट्रीज कौन है TPP में? पैसिफिक के रिम पे जो है, कौन है मतलब पैसिफिक, उसका एक बॉर्डर होना चाहिए, ठीक है।
नीचे आ जाओगे तो कौन कौन हो जाएंगे लैटिन अमेरिका में? पेरू और चिली है। चिली है कि नहीं? चिली है, चिली है। पेरू है और चिली, सबका बॉर्डर देखना पैसिफिक से टच करता है, ठीक है? कितने कंट्रीज हो गए, ठीक है? अब आसियान के चार कंट्रीज हैं। आसियान में देखो सिंगापुर होगा ही होगा, क्यों होगा अभी समझा देंगे, ठीक है? और कौन होगा? मलेशिया, ब्रुनेई, वियतनाम। कितने कंट्री हो गए? 3, 1, 4, 2, 6, 2, 8, 4, 12 हो गए। याद रखना बहुत आसान है अगर सोचोगे तो, ठीक है? सबका बॉर्डर कहीं ना कहीं पैसिफिक से मिलता है, पैसिफिक से मिलता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात तुमको ये है कि क्यों बना है टीपीपी? अभी तक क्या होते थे इससे पहले, जनरली रीजनल ब्लॉक्स होते थे, जैसे नेफ्टा है। नेफ्टा क्या? रीजनल ब्लॉक है। नॉर्थ अमेरिका के जितने भी कंट्रीज हैं, मैक्सिको, यूएस और कनाडा, इन तीनों ने मिला के नेफ्टा बना लिया। हम लोगों ने साउथ में, साउथ एशिया में क्या बना लिया? सार्क बना लिया। आसियान कंट्रीज ने आपस में सब मिलकर क्या बना लिया? आसियान बना लिया। तो ये सब रीजनल नेचर था, बट एक व्यू कि हम रीजन के बियॉन्ड जाके, ठीक है, और भी कंट्रीज को अपने अंदर इंक्लूड करें ताकि एक बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक बने, समझ में? इस विजन से टीपीपी आया था, ठीक है? तो आज के दिन में तीन नेगोशिएशन ऐसे हैं जिनको मेगा एफटीए बोलते हैं, मतलब बाकी तो एफटीए हैं, उनको मेगा एफटीए बोलते हैं। एक टीपीपी, दूसरा बताओ आरसीईपी, और तीसरा है ट्रांस अटलांटिक, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, यस। दूसरा लास्ट है TTIP, ट्रांस अटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप। तो टीपीपी पैसिफिक के चारों बगल के लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, TTIP अटलांटिक ओशन के चारों बगल, यानी कि कौन कौन हो जाएगा? यूएस, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, इनको जोड़ने की पॉसिबिलिटी है। अभी कौन कौन होंगे वो सब फाइनल नहीं है, ठीक है? ये तीनों अपने वास्ट एक्सपेंस के कारण इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं? मेगा एफटीए बोलते हैं। और ये सोचो इतने बड़े रीजन में अगर तुमने सबका टैरिफ जीरो कर दिया तो क्या होगा? ये रीजन अपने आप को ही फ्यूल करेगा। जैसे आरसेप के बारे में मैं इसलिए बताना चाहूँगा कि आरसेप में क्या है कि चाइना है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, न्यूजीलैंड है, कोरिया है और आसियान के 10 देश हैं। अब बताओ कौन ऐसा प्रोडक्ट है जो ये 16 कंट्री मिलकर प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, और कौन ऐसा रॉ मटेरियल होगा जो इन 16 कंट्री में नहीं अवेलेबल होगा? तो एक तरह से इनका क्या होगा? अपना दुनिया बन जाएगा। क्योंकि टैरिफ जीरो होगा तो क्या होगा? प्रेफरेंस मिलेगा एक दूसरे के प्रोडक्ट को। एक तरह से क्या होगा? ऐसा हो जाएगा कि ये आपस में ही ट्रेड करते रह जाएंगे। इस विजन के साथ बना था, सेम टीपीपी बना था कि पैसिफिक के आसपास के सारे देश क्या करेंगे? आपस में ही ट्रेड करते रह जाएंगे, ओके? तो टीपीपी में पहला तो समझ गए। अच्छा, टीपीपी में पहली पॉइंट क्या हो गए? पैसिफिक रीजन के आसपास के हैं, 12 कंट्रीज हैं, उनका कितना ट्रेड वॉल्यूम है वो सारा तुमने देख ही रखा होगा, ठीक है? वो सारा परसेंटेज मैटर नहीं करता है। जो एक चीज मैटर करती है वो है कि इस एरिया का क्या होगा? ट्रेड बहुत ज्यादा होगा। इसके कारण क्या होगा सोचो? जो भी चीज ये लोग रूल बनाएंगे वो रूल को दूसरे लोग कॉपी करेंगे। इट्स जस्ट लाइक सेइंग एक क्लास में जो टॉप का बच्चा, 5-10 बच्चा जो करता है, बाकी क्लास उसी को कॉपी करता है, ठीक है? नियरली 30-40% ऑफ ग्लोबल ट्रेड इस एरिया में हो रहा है मान लो। तो ये लोग जो रूल बनाएंगे वो तो क्या बन जाएगा? इंटरनेशनल नॉर्म बन जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि WTO, खैर हम लोगों ने तुम लोगों को नहीं बताया, बट जिन लोगों ने सुना होगा क्लास याद होगा, WTO में वर्ल्ड की हर एक कंट्री मिलकर नेगोशिएट करती है ट्रेड कैसे होना चाहिए। तो WTO डिक्टेट्स की ट्रेड कैसे होगा, लेकिन जब TPP, RCEP या TTIP साइन हो जाएगा तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली WTO में क्या नेगोशिएट हो रहा है वो साइडलाइन हो जाएगा,
और क्या है कि लोग क्या होगा इसमें जो नए रूल आएंगे उसको फॉलो करने लगेंगे, समझ में आ रहा है? बिकॉज हियर वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है? तो इन लोगों ने क्या किया, काफी लिबरल टैरिफ रखा है। लिबरल टैरिफ का क्या मतलब है, सीधे टैरिफ लोग कह रहे हैं कि सारे प्रोडक्ट पे जीरो कर दो, इस टाइप का रखा है। तो इन लोगों ने क्या प्रपोज किया, लिबरल टैरिफ, स्ट्रॉन्ग आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट काफी स्ट्रॉन्ग रखा है। एक कंपनी को दवा का अगर मान लो दे दिया तो एकदम कई साल तक उसका फायदा वसूल कर सकता है, उस टाइप का दे दिया। डिस्प्यूट सेटलमेंट में मान लो एक कंपनी और एक देश के बीच झगड़ा हो गया, फॉर एग्जांपल वोडाफोन और इंडिया का झगड़ा चल रहा था ना टैक्स इवेजन को लेकर, डिस्प्यूट सेटलमेंट में हैविली इन फेवर ऑफ कंपनीज, मतलब कंट्री कुछ कर ही नहीं सकता है कंपनी को, अगर कोई एमएनसी तुम्हारे यहाँ के करता है जो भी करेगा अगर झगड़ा होगा तो रूल्स ऐसे बनाए हैं विच विल बी हाईली फेवरेबल टू कंपनीज, समझ में आ। प्लस इन्होंने क्या क्या, इन्वायरमेंटल लॉज, लेबर लॉज, इनको भी रेगुलेट करने की बात की है इन्होंने। प्लस क्या क्या, इन्वायरमेंटल लॉज और लेबर लॉज, इनको भी रेगुलेट करने की बात की। तो जब ये तुम रेगुलेट करोगे तो क्या होगा, जो डेवलपिंग कंट्री है, हमारा अब क्या है, उन्होंने बना दिया कि कोई भी प्रोडक्ट नहीं बिकेगा जिसमें कि चाइल्ड लेबर होता हो। तो हमारा जो भी कालीन शाल ये सब का बिजनेस है, इसमें कितने सारे लोग जो है, ताले का बिजनेस है, कितने सारे बच्चे इंगेज होते हैं। कोई बोल दिया जब तक एम्प्लॉई के लिए पेंशन की व्यवस्था नहीं होगी वहाँ का हम प्रोडक्ट नहीं लेंगे, हमारे यहाँ तो सारा प्रोडक्ट हमारा बिकेगा ही नहीं, इन्वायरमेंट को अगर डैमेज हो रहा है तो उसका प्रोडक्ट नहीं लिया जाएगा, कुछ कुछ इस तरह का लॉ बना दिया। तो ये सारे प्रोविजन टीपीपी में है, विच इफ बिकम्स रूल इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देन व्हाट विल हैपन, कंट्रीज लाइक इंडिया विल फेस अ ह्यूज प्रॉब्लम, ठीक है? कंट्रीज लाइक इंडिया क्यों प्रॉब्लम फेस करेगा, पहली बात हमारा टैरिफ, मैंने तुमको बताया था सारे डेवलप नेशन का टैरिफ हार्डली 1-2% के बीच में है, हमारा टैरिफ एवरेज टैरिफ 14% के बीच में है, तो हमको तो बहुत बड़ा लॉस होगा, हमारे यहाँ इनफ्लो और ज़्यादा हो जाएगा, हमने जो प्रोटेक्शन दे रखा है बैरियर की तरह से टैरिफ का वो खत्म हो गया। ये सब किसी को समझ में तो नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं है, क्लियर है सुनिए? स्ट्रॉन्ग आईपीआर, हम लोग तो हमेशा क्या जनरल मेडिसिन में स्ट्रॉन्ग है, हम लोग कॉपीराइट वायलेशन में स्ट्रॉन्ग है, पेटेंट वायलेशन में स्ट्रॉन्ग है, और अगर हमारा स्ट्रॉन्ग आईपीआर एक्सेप्ट हो जाए तो स्ट्रॉन्ग आईपीआर इस सेंस में मत सोचो कि जनरल इनोवेशन, एवरग्रीनिंग विल बी अलाउड, अगर इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरग्रीनिंग, कि छोटा मोटा इंप्रूवमेंट किया उस पर जाकर पेटेंट करा लिया, ठीक है? ये स्टैंड में ऐसे मोबाइल लगाने का टेक्नोलॉजी भी तुम जाकर पेटेंट करा सकते हो। अभी इंडिया में पेटेंट क्या है, बहुत लिमिटेड है, बहुत स्ट्रिक्ट है, इजीली पेटेंट तुमको नहीं मिलता है अनलेस कि तुम प्रूव करो कि जेन्यून इनोवेशन है। तो ये क्या, स्ट्रॉन्ग आईपीआर को इस तरह से समझो कि मतलब कुछ भी पेटेंट कोई करा सकता है, तो उसमें क्या होगा, इंडिया के मेडिसिन के इंडस्ट्री को खतरनाक घाटा पहुंचेगा, बिकॉज वी आर कॉपीकैट्स, लेट्स बी ऑनेस्ट। डिस्प्यूट सेटलमेंट में हम लोग हमेशा चाहता है, हर एक डेवलप्ड कंट्री चाहती है कि हमेशा झगड़ा में गवर्नमेंट जीते। इस तरह का डिस्प्यूट तुमने इंडिया में कभी नहीं सुना होगा कि FBI एप्पल से बोल रही है कि तुम इसका फोन अनलॉक करके दो, सुना होगा? अच्छा नहीं सुना है। US में एक क्रिमिनल था, प्रूव हो चुका था उस बंदा क्रिमिनल है, उसने क्राइम किया है, बोला कि इसको पकड़ने के लिए हमको इसका फोन अनलॉक करके दो, वो बोला कि हमको एप्पल बोल दिया कि हम फोन अनलॉक नहीं करेंगे। तुम इस तरह का प्रोविजन इमेजिन कर सकते हो कि इंडिया में इंफोसिस को भारत सरकार कुछ बोले और इंफोसिस कहते कि हम मना कर देगा? तो इस तरह के प्रोविजन में क्या होगा, वी विल ऑलवेज लूज। हम लोग तो जहाँ तहाँ टैक्स लगाते रहते हैं, हिस्ट्री में जाकर टैक्स लगा देते हैं कि तुम्हारा टैक्स इसलिए बाकी है क्योंकि आज मैंने डिसाइड किया 10 साल से तुमको ये टैक्स देना था, ठीक है? तो इमेजिन करो कि उस केस में इंडिया का क्या होगा। और जो सबसे बड़ा कंसर्न इंडिया का है, दैट इज इन्वायरमेंट एंड लेबर लॉ, क्योंकि हमारे यहाँ ना तो इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड मेंटेन होता है, ना हम लोग लेबर लॉज को मेंटेन करते हैं, इनके आने के कारण हमारा प्रोडक्ट बंद हो जाएगा। तो दीज आर द कंसर्न्स विच इंडिया है।
ठीक है, इसलिए कंसर्न नहीं है कि हम उसके पार्ट हैं टीपीपी के, इसलिए कंसर्न है कि इफ इट कम्स इनटू इफेक्ट एंड एवरी कंट्री स्टार्ट्स कॉपीइंग इट देन वेयर वी विल ट्रेड। समझ में आ रहा है? लिबरल टैरिफ में एक पॉइंट था कि अगर टैरिफ डाउन हो जाए तो हमारा जैसे यूएस को एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है। उस पॉइंट को अभी मैंने उसको मेरे दिमाग में है वो पॉइंट, मैंने उसको जस्ट इसको कंक्लूड करने के बाद के लिए करना है। ये क्लियर हो गया कि नहीं? एक इम्पैक्ट कि नाउ WTO विल नॉट बी अ गवर्निंग बॉडी बट रैदर दिस विल बिकम मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक फैक्टर ये, दूसरा फैक्टर कंट्रीज कौन कौन है। US, इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड सरप्लस किस कंट्री के साथ है? US के साथ है। US का मान लो 2% टैरिफ है, उसने किसको दे रखा है? बाकी कंट्री कौन है इसमें? मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, ब्रुनेई, ये सब क्या डेवलपिंग नेशन, ये लोग वैसी इकोनॉमी है जैसे हम लोग हैं, ठीक है। वो 2% कम रेट पे इनको मिलेगा, समझ रहे हो? मान लो इंडिया यहाँ है, वियतनाम यहाँ है और जस्ट अक्रॉस पैसिफिक US है कि नहीं है? एक तो फ्रेट वाइज तुम मारे जाते हो क्योंकि वियतनाम को जस्ट पैसिफिक, पानी में ट्रैवल करना बहुत आसान होता है, कॉस्ट बहुत कम आता है, उसको केवल पैसिफिक क्रॉस करना है। इंडिया का कहीं से भी जाएगा US पहुंचने में फ्रेट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब भाड़ा बहुत ज़्यादा लगेगा, तो एक तो फ्रेट में मारे गए। दूसरा सोचो 2% इसका कम है इसके लिए, तुम भी 100 रुपये का सामान बना रहे हो, ये भी 100 रुपये का सामान बना रहा है, ये US को 100 रुपये में भी बेच रहा है, क्यों? क्योंकि उसका 2% वेव ऑफ हो गया और तुम्हारा सामान कितने में जा रहा है? 102 रुपये में जा रहा है। तो तुम्हारा जो पोटेंशियल है मार्केट जिसके साथ तुम्हारा सरप्लस है, वो मार्केट कल के दिन में वियतनाम और मलेशिया कैप्चर करके लेके चला जाएगा। इंडिया से मेजर एक्सपोर्ट टेक्सटाइल का होता है, वियतनाम टेक्सटाइल वगैरह में काफ़ी अच्छा है, फिलीपींस ये सब लोग आसियान कंट्रीज अच्छे हैं काफ़ी। तो देयर इज अनदर फियर कि इंडियाज मार्केट विल बी रिप्लेस एंड समबडी एल्स विल कैप्चर दैट मार्केट। सो दिस इज इम्पैक्ट ऑफ TPP ऑन इंडिया, आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। तो ओके, तो सॉरी कहानी आधी रह गई। ये TPP के 12 कंट्री हैं, ट्रंप भाई साहब उसने कहा कि हमको TPP का पार्ट नहीं रहना है, ट्रंप भाई साहब बाहर निकल गए, US जैसे ही बाहर निकला कितने कंट्री बच गए? 11। उन 11 कंट्री ने कहा कि US जाए अपने जगह, हम लोग जो इतना मेहनत से नेगोशिएट किए इसको छोड़ देंगे, हम लोग इसी पे काम करते हैं, ठीक है। देन इट वॉज रीनेम्ड एज CPTPP, बाकी कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एटलीस्ट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई डिफरेंस नहीं है, क्लियर है। तो इस बुकलेट में आपको जो भी दिया गया है वो आपको केवल TPP एंड CPTPP दिया गया, उसका इम्पैक्ट ऑन इंडिया नहीं दिया गया, विच आई हैव डिस्कस्ड। इसको कौन समराइज करेगा नेक्स्ट क्लास में? अजय कर रहा है, ठीक है। बस एकदम टू द पॉइंट जो यूज कर सके लोग पॉइंट वाइज फॉर्मेट में, जैसे आपने इसमें देखा होगा मैं मोस्टली पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखता हूँ, उसी को मेंटेन करते हुए उसी स्टाइल में लिखते जाना है, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ TPP ऑन इंडिया, जो जो भी बात की कि टैरिफ घटने से कैसे इम्पैक्ट होगा, नाउ कमिंग बैक कि हाउ वियतनाम, खास करके फियर है लेदर मार्केट और टेक्सटाइल मार्केट, कि लेदर एंड टेक्सटाइल मार्केट विल बी कैप्चर्ड बाय वियतनाम, दैट इज द ग्रेटेस्ट फियर, ठीक है। खैर अब चलो ये पार्ट क्लियर हो गया आपको, ठीक है, क्लियर। नाउ कमिंग टू आरसेल, तो जब TPP नेगोशिएट हो रहा था तो TPP में तुमने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, ना इंडिया है ना चाइना है, और इंडिया चाइना वर्ल्ड की आज के टाइम पे अच्छी खासी दो बड़ी इकोनॉमी है, खास करके ट्रेडिंग के सेंस में इंडिया और चाइना का बहुत बड़ा रोल है। तो इन लोगों ने कहा कि तुम लोग हम लोग को निकाल दिए हो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना ग्रुप बनाते हैं। तो हम लोगों ने क्या बना लिया? आरसेप। हम लोगों ने क्या बना लिया? आरसेप। तो आरसेप में कौन कौन कंट्रीज हैं?
आरसेप याद रखने का सबसे आसान है, 10 आसियान की कंट्रीज, 10 आसियान की कंट्रीज प्लस 6 ऐसी कंट्री जिनके साथ आसियान का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। 10 आसियान की कंट्रीज बट 6 ऐसी कंट्री जिनके साथ आसियान का क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी है। इस बार का ये सवाल भी था, आई थिंक सब तुम लोग सबको तो मार दिए जाए थे। ठीक है, सिंपल सी बात है, 10 आसियान की कंट्री और इन 6 कंट्री के साथ आसियान ने ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है। तो कौन कौन उनमें कंट्री है, इंडिया तो पहले ही बोल देते हैं, फिर चाइना पहले ही बोल देते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बोल देते हैं, और इधर जापान, और फिर इधर क्या हो गया, इन 6 कंट्री के साथ अभी एग्जिस्टिंग एफटीए है आसियान का। क्लियर है? तो हम इन 16 कंट्रीज ने डिसाइड क्या किया कि हम लोग एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं। ओके, अगर तुम देखोगे नेगोशिएशन के सेंस में तो हम लोग जो है आरसेप जो है टीपीपी से काफी लिबरल, मतलब वो है मतलब हम लोग के मोटिव से अच्छा है। टैरिफ रिडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, इन्वायरमेंटल और लेबर लॉस तो डिस्कस ही नहीं हो रहे हैं, तो मतलब उस तरह की चीज़ें, मतलब क्योंकि ये सारी कंट्रीज कैसी हैं, डेवलपिंग नेशन है मोस्टली, इनमें कोई यूएस जैसा है नहीं, बट एक मतलब चलो उतना तुम लोगों को समझना जरूरी नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके, अब जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है वो ये बनता है कि टीपीपी और आरसेप में कॉमन कौन कौन से कंट्रीज हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, 3 तो इधर से आ गए, और आसियान कंट्री से 4 आ जाएंगे, कौन कौन, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई, वियतनाम। तो कुल मिला के 7 कंट्रीज हैं जो कि कॉमन है, 4 कंट्री आसियान के हैं, बाकी 3 कंट्री एफटीए पार्टनर है। ठीक है, इतना क्लियर, ये 7 हैं। ओके, अब क्या है, ये हो गया आरसेप का क्यों इंपॉर्टेंस है। आरसेप जब पढ़ेंगे तो भी पढ़ सकते हैं, या ऐसे सिंपल समझ लो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास जुड़ने का, एक लार्ज ट्रेडिंग ब्लॉक है, सेल्फ सफिशियंट टाइप का हो जाएगा। साथ में क्या है कि इट वॉज प्रपोज एज एन अल्टरनेटिव टू टीपीपी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ क्या आता रहेगा, बट इससे डेंजर क्या है, डेंजर बताओ, तुमने बनाया ना, डेंजर बताओ क्या है, कंट्रीज देखो बताओ डेंजर क्या है, कोई और बताओ डेंजर क्या है, बताओ। चाइना के साथ हमारा विदाउट एफटीए, जब आरसेप हो जाएगा तो इस तरह से क्या हो जाएगा, चाइना के साथ हमारा एफटीए हो जाएगा, पूरा रीजन में क्या होगा, टैरिफ कम हो जाएगा, तो एफटीए हो गया हमारा। चाइना के साथ ऑलरेडी हमारा करीब 50-60 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, जब उसके साथ एफटीए हो जाएगा ये ट्रेड डेफिसिट और बढ़ जाएगा, पहला तो ये खतरा है। ठीक है, दूसरा देखो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड डेयरी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में काफ़ी स्ट्रांग है, चाइना मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी स्ट्रांग है, कोरिया, जापान इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी स्ट्रांग है, तुम्हारे पास बेचने के लिए क्या है, किस चीज में तुम बोलोगे कि हम स्ट्रांग हैं हम बेच देंगे तुमको, नहीं यार एग्रीकल्चर सब आसियान कंट्री क्या है, एग्रीकल्चर कंट्री है। वियतनाम वगैरह तुमको मालूम है, वियतनाम वगैरह एक टाइम पे इंडिया से काफी पुअर हुआ करता था, आज के दिन में कहीं भी मार्केट में हम लोगों को पछाड़ पछाड़ के रखा है। एग्रीकल्चर में ऑस्ट्रेलिया वगैरह काफी स्ट्रांग है, डेयरी प्रोडक्ट कोई कंपेयर नहीं है, तो यहाँ का दूध में आधा टाइम तो टेंशन रहता है, सर्फ मिला हुआ है, यूरिया मिला हुआ है, स्टार्च मिला हुआ है, पता नहीं क्या मिला हुआ है, वहाँ स्टैंडर्ड क्वालिटी एकदम हाई क्वालिटी, तुम आंख बंद करके श्योर होगी दूध ही पी रहे हो। ठीक है, वहाँ पे लार्ज फार्मिंग होता है, हमारे यहाँ इंटेंसिव फार्मिंग होता है, वहाँ कमर्शियल फार्मिंग होता है, तो कॉस्ट किसी भी दिन उसके प्रोडक्ट का तुम्हारे प्रोडक्ट से कम हो जाएगा, सुनना। तो वन ऑफ द मेजर चैलेंज है कि इंडिया विल बी लूजिंग, क्योंकि इनमें से कोई कंट्री ऐसा नहीं है जिसके साथ इंडिया का ट्रेड सरप्लस है। अगर तुम्हारा ट्रेड सरप्लस है तो वो ट्रेड सरप्लस और बढ़ जाएगा एफटीए होने के बाद, बट ऑलरेडी तुम्हारा ट्रेड डेफिसिट है तो वो ट्रेड डेफिसिट भी और बढ़ जाएगा।
क्योंकि नाउ यू आर प्रोवाइडिंग इजी मार्केट एक्सेस। तो चूँकि हम लोग आरसेप नेगोशिएशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें हमको पता है जितनी इंडस्ट्री वाले आते हैं सब यही रोते हैं कि सर इससे बाहर निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। और रियलिटी यही है कि सारी इंडस्ट्री परेशान है। तुम्हारी जितनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, चाइना अभी भी डंपिंग करता है, ड्यूटी के साथ डंपिंग करता है। उस वक्त जब बिना ड्यूटी के सोचो कितना डंपिंग होगा तुम्हारे यहाँ। तुम ना इलेक्ट्रॉनिक्स बनाओगे घर में, ना एल्युमिनियम, स्टील, थाली, प्लेट, गणेश जी का मूर्ति, सब कुछ बाहर जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर कंसर्न्स अगेंस्ट आवरसेल्फ। ठीक है कि तो ये बट वही है, क्यों कर रहे हैं तब? इतना कष्ट है तो कर क्यों रहे हैं? देखो दो चीजें, एक होता है नेसेसरी इवल, कोचिंग खराब चीज है बट एक नेसेसरी इवल है, तुमको करना पड़ेगा अगर प्रिपरेशन करना है। इट्स जस्ट लाइक दैट। अगर तुम टीपीपी में नहीं हो, तुम आरसेप में भी नहीं हो, तो आरसेप कंट्री तो आपस में ट्रेड करते रहेंगे, टीपीपी कंट्री आपस में ट्रेड करते रहेंगे, तुम कहाँ बेचोगे? तो इसमें तुम रोगे, घाटा भी होगा बट कहीं बेचोगे तो कुछ सामान। बट अगर तुम इन दोनों से बाहर हो तो तुम कंप्लीटली क्या हो, अपना एक्सपोर्ट पोटेंशियल खत्म कर देते हो। समझ में आ रहा है? इट्स नेसेसरी इवल तुम कर सकते हो। ओके, तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर तुम बाहर से कुछ नहीं कर सकते हो तो यू शुड गेट इनसाइड एंड फ्रॉम देयर यू शुड डिस्ट्रॉय, जो ट्रॉय में किया था। तो जब तुम आरसेप के नेगोशिएटिंग टेबल पे होते हो तो वहाँ तुम क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से कुछ कुछ चीज़ कंसेशन करवा लो, मनवा लो, नहीं ये नहीं, इतना रूल इजी मत रखिए, थोड़ा सा टाइट कर दीजिए, इतना ट्रेड नहीं घटेगा, लिबरल नहीं होगा, थोड़ा सा और कम होगा, ये चीज़ तुम नेगोशिएट कर सकते हो। दैट्स व्हाई इंडिया इज एंगेजिंग इन टू आरसेप, अदरवाइज देयर इज नो। अनदर रीजन गिवन इज पॉलिटिकल वे। क्यों? क्योंकि हम लोग आसियान के साथ अच्छा बना के रखना चाहते हैं। देखो आसियान को हमेशा हम लोग प्रेफरेंस देते हैं, क्यों? चाइना के कारण से। तो है कि ये भी एक तरह से इंगेजमेंट है। आज के दिन में मुँह जवानी दोस्ती का कोई सेंस नहीं है। आज के दिन में दोस्ती कैसी होती है? इकोनॉमिक। इंडिया चाइना के बीच इतना कॉन्फ्लिक्ट है, बट कभी तुमने सुना है गन फायरिंग हो गया? वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल डिस्प्यूट्स होता है वो, हमारे यहाँ के तंबू गाड़ लेते हैं, फिर हम लोग कुछ कुछ बोलते हैं, धक्का मुक्की भी बहुत कम होता है, फिर वो लोग पीछे चले जाते हैं। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के बीच देखो गोलियां चलते रहते हैं। तुमने कभी सोचा है कि क्यों चाइना, जो इतना स्ट्रांग पावरफुल मिलिट्री वाइज भी, हम लोग उसके सामने कुछ नहीं टिकते हैं, ठीक है, व्हाई ही इज डूइंग इट? एजुकेट नहीं करना है हमको, जो पॉइंट बोलना है हमने बोल दिया तुम्हारे यहाँ आके, लेकिन तुम अंत में सामान तो तुम्हीं को बेचना है। वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल एरियाज है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के टूरिज्म में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आम आदमी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जबकि सोचो तो चाइना तो बोलता है कि मेरा ही है। क्यों है? सोच के देखना कभी ये सारी चीज़। तो आज के दिन में अगर कहीं पीस बढ़ाना है तो सबसे बढ़िया तरीका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है। इट इज़ वन ऑफ द वेज टू इकोनॉमिकली इंटीग्रेट विद चाइना एंड आसियान, ताकि हमारी दोस्ती मजबूत हो सके। आज के टाइम की डिप्लोमेसी इज इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, वन ऑफ द मेजर मतलब एरियाज ऑफ डिप्लोमेसी। जैसे देखो ना, ट्रंप के साथ दोस्ती बहुत अच्छा है, सब कुछ भाईचारा बहुत अच्छा है, बट इकोनॉमी को लेकर रोता है कि नहीं रोता है? तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। ओके, विद दिस विल कंक्लूड। तो इम्पैक्ट ऑफ टीपीपी एंड आरसेप, ये अजय दे रहा है नेक्स्ट वीक तक जमा करके, ठीक है। अमित दे रहा है यूएनएससी रिफॉर्म का, ओके, और तुम लोग बाकी लोग, तो दैट इज द असाइनमेंट फॉर नेक्स्ट वीक। ओके, नाउ कमिंग बैक टू इकोनॉमिक्स। कल वाला पढ़ा था तुम लोगों ने? आंसर लिख के लाए हो? बस ऐसे पॉइंट्स बताओ क्या क्या लिखा, एक एक पॉइंट बताओ, कौन सा एक पॉइंट बताओ। सर मैं दूसरी बात, तुमको मैंने कुंदन बोला है लाइन वाली कॉपी में मत लिखा करो,
ठीक है, कॉपी बर्बाद हो जाती है, हो जाने दो, बट लाइन वाली कॉपी मत लिखो। एक पॉइंट बताओ कितना जल्दी से। सर जो इंडिविजुअल ग्रोथ है वो ये डिपिक्ट नहीं करता है कि जो हेल्थ कंडीशन है इंडिविजुअल के, जो एजुकेशन, मतलब सोशल इंडिकेटर्स काफ़ी हद तक नेगलेक्ट हो जाते हैं। हाँ, जैसे नॉर्वे का सर मैंने एग्जांपल लिया है, नॉर्वे टॉप करता है एचडीआई में, बट उसका 46th रैंक है जीडीपी में। और उतना तो नॉर्वे से भी कंपेयर मत करो, तुम बांग्लादेश से कंपेयर कर लो। जीडीपी पर कैपिटा जो है बांग्लादेश की 1/3 है हमारे कंपेयर में, मतलब 1/3 है, और एचडीआई में हमसे कहीं ऊपर है। ठीक है, श्रीलंका की सेम स्थिति है। ठीक है, तो दैट इज वन पॉइंट। अमित दूसरा पॉइंट, इसमें ब्लैक इकोनॉमी को कंसीडर, मतलब ये कम्प्लीटली एक तरह से जो चीज क्लेम करता है कि आई एम रिप्रेजेंटिंग द क्या है टोटल आउटपुट ऑफ इकोनॉमी, वो भी रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, बिकॉज ब्लैक इकोनॉमी में जो भी एक्टिविटी चल रही है दैट इज आल्सो नॉट कैप्चर्ड। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स नहीं होता है, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी जीडीपी बहुत ग्रो करी हो बट आपने इन्वायरमेंट की वाट लगा रखी हो। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल लिखे नहीं, चलो कोई बात नहीं है। मनोज लिखा करो, आंसर प्रॉपर लिखो, एक सवाल तो दिया था, 10 मिनट भी नहीं लगना चाहिए, एग्जाम के हिसाब से तो 9 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है, वो भी काम नहीं होता है। ठीक है, तो खास करके जो कंट्रीब्यूशन हमारी लेडीज का है, फीमेल का है, वो तो कैप्चर हो गई नहीं। हमारी जो फीमेल्स का पार्टिसिपेशन है, इतना सोशल वर्क है, वो सारा कोई कैप्चर नहीं होगा। मनोज मुकेश, इनइक्वालिटी को सही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। वेरी गुड, कि इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। जीडीपी आपके कंट्री का बहुत अच्छा हो सकता है, एट द सेम टाइम इनइक्वालिटी भी बहुत अच्छा हो सकता है, आपकी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी हो सकती है। सविता, सरिता, सविता, सविता बताइए, लिखे थे कि नहीं, टाइम नहीं मिला। अच्छा, आप ग्रुप में नहीं ऐड हुए, मैं आपको ऐड करता हूँ। सुजीत लिखे थे? हाँ बताओ, किसी और के पास कोई और पॉइंट है? रुक जाओ, एक एक करके अजय को पहले मौका मिलेगा। अजय सर, इसमें बेसिकली जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो नहीं कवर होता, जैसे क्राइम बढ़ता है तो लॉयर्स और इन सब की फीस बढ़ जाएगी। इसमें जो है दिस आल्सो, मतलब इसको ऐसे नहीं लिखना है, इसको ऐसे लिखना है कि देयर आर अदर इंडिकेटर्स व्हिच इंडिकेट्स समथिंग लाइक हैप्पीनेस, गवर्नेंस, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, जैसे ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स है, ठीक है ना, जो भूटान वाला है, ठीक है, वो जो है तुमको गवर्नेंस का एस्पेक्ट भी दिखाता है। मतलब व्हाट यू आर डूइंग इज दैट इन अ वे ऑफ क्रिटिसाइजिंग यू आर कंपेयरिंग इट विद other indicators, how they are more exhaustive and their coverage is more important to the aspects of development and matlab economic well-being of the economy. ठीक है, आपने नहीं लिखा होगा। sustainability of growth भी नहीं होता है। ठीक है, मतलब ये सारे पॉइंट है। मुकेश, अमित, अच्छा अब इनमें से क्या है, जैसे ट्रांसफर पेमेंट हो गया और कुछ कुछ पॉइंट्स जो हैं ये सारे बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ पहले बार के लिए, अभी चूंकि आपने ताज़ा पढ़ा है, सब चीज़ दिमाग में है, तो एकदम सीधे सब कुछ लिख दिए, ठीक है ना, बट जब लॉन्ग टाइम में जाओगे धीरे धीरे इंपॉर्टेंट भूल जाओगे, बट कुछ पॉइंट्स नहीं भूलने हैं, इन्वायरमेंटल आस्पेक्ट का, वीमेन का, ब्लैक इकोनॉमी का, गवर्नेंस कवर नहीं हो रहा है, सस्टेनेबिलिटी, आपकी जीडीपी अच्छी है और मालूम चला इट्स नॉट ए सस्टेनेबल ग्रोथ, बिकॉज आपने इन्वायरमेंट की इतनी गंदी लगा रखी है कि आने वाले दिन में आप चौक करके मर जाओगे। द वे दिल्ली इज ग्रोइंग इट्स नॉट सस्टेनेबल, समझ में आ रहा है? तो दो जीडीपी वाइज ये बहुत बढ़िया है दिल्ली, बट इट्स वन ग्रोथ वेयर यू डोंट वॉन्ट टू बी। मैं आज के दिन में मौका मिलेगा आई डोंट वॉन्ट टू बी इन दिल्ली। तुम लोग का सबका यही कंसर्न होगा कि यार दिल्ली में तो यार बस काम निकाल के भागे, ठीक है, तो इट इज वन पार्ट विच इज नॉट कवर्ड बाई जीडीपी। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना, छोटा छोटा चीज़, मतलब तुमको दिमाग में प्रायोरिटाइज धीरे धीरे पता चल जाएगा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या चीज़ नहीं है। ओके, चलो लिखना इंपॉर्टेंट था तो वो सही चीज़ की आप लोगों ने। इन्वायरमेंट में ये है सिंपल से कि जीडीपी का ग्रोथ जो है डजंट टॉक अबाउट एनीथिंग विच डजंट हैव इकोनॉमिक वैल्यू। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन वगैरह का अगर अनलेस उसका कोई वैल्यू नहीं है, कॉस्ट एसोसिएटेड नहीं है, पेनाल्टी एसोसिएटेड नहीं है, इट विल नॉट बी कैप्चर्ड। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मे हैपन एट अ रैम्पेंट पेस व्हाइल जीडीपी मे शो दैट यू आर डेवलपिंग एट अ वेरी फास्टर रेट।
एंड सच काइंड ऑफ ग्रोथ आर नॉट इन्वॉल्व मतलब इन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल. तो ग्रोथ तो वही अच्छा है ना, कि वही बात है, एक अंडा मुर्गी देते, एक मुर्गी अंडा देती थी, सोने का अंडा देती थी, किसान को लगा कि एक ही अगर मुर्गी को मार के सारा अंडा निकाल लेंगे तो एक ही दिन में अमीर हो जाएंगे. पर दिक्कत यह है कि आधी तुमने अगर मुर्गी काट दिया तो फिर अंडा कहाँ से आएगा, तुमको वेट करना पड़ेगा हर रोज ताकि वो सोने का अंडा दे सके. तो ग्रोथ शुड बी सस्टेनेबल. तुमने ऐसा ग्रोथ कर दिया कि ऐसा हो गया कि लिविंग हेल हो गया, तो फिर वो ग्रोथ तो कोई सेंस नहीं निकला ना. तो दीज एस्पेक्ट्स आर नॉट कवर्ड अंडर जीडीपी. ठीक है सर, इसमें ये पॉइंट भी आएगा अगर कि जीडीपी अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे नहीं डिपेंड कर रही है तो वो चीज कहीं रिफ्लेक्ट नहीं. जीडीपी सारे प्रोडक्ट का जोड़ है. इन अगर मतलब एक कंट्री हैवीली अगर एक ही चीज पे डिपेंड कर रही है कि ये ही मेरा एफपी है ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है मतलब इनइक्वालिटी इन प्रोडक्शन करना चाहिए. बट ऐसा होगा नहीं, ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि किसी भी देश में ऑलमोस्ट सारी टाइप की चीज़ें प्रोड्यूस होती ही होती हैं. ठीक है, और दूसरी बात क्या है ना, मेनली जीडीपी के थ्रू इनकम आता है. मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारे यहाँ जो चीज़ प्रोड्यूस नहीं भी हो रहा है वो चीज़ तुम इम्पोर्ट करवा सकते हो, वो चीज़ इम्पोर्ट करवा सकते हो. ठीक है, तो ठीक है, बट अगेन वही सब, वो सब बहुत मतलब फ्रिंज वाला पॉइंट है. मतलब हेल्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोग का लेजर है कि नहीं है, कि लोग मरे पड़े हैं काम करने में, ये सारा चीज़ कैप्चर नहीं होता है. एक लाइफ का लिविंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, राइट. कमा रहे हो किसके लिए, सिर्फ कमाने के लिए कमा रहे हो या इन्जॉय करने के लिए भी कमा रहे हो, तो वो सारा चीज़ कुछ भी कैप्चर नहीं होता है. मतलब देखो ये सिंपल क्या है ना, क्वालिटेटिव है, सॉरी क्वान्टिटेटिव है, क्वालिटी इसमें कोई भी कैप्चर नहीं होता है. शुरुआत कहाँ से करना है राइटिंग का, देखो देखो आंसर लिखना कहाँ से शुरू करना है. यूजुअली सबसे पहला लाइन क्या लिखोगे, कई लोग को लगता है कि क्या लिखना है, राइट. किसकी किसके साथ ये दिक्कत हुआ. बेस्ट वे फॉरवर्ड होता है एक वनीला टाइप का स्टेटमेंट, जो क्वेश्चन में से कोई चीज़ को उठाओ और उसके बारे में लिखो. फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में तुम्हारे जीडीपी से सवाल है, तुम कुछ नहीं जीडीपी को बेसिक, तुमको एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पता होना चाहिए, तुम बेसिक के इट्स एक्यूमुलेटेड प्रोडक्शन वैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इतना भी लिख दोगे तो सफिशियंट है. एक लाइन लिख दी उसके बाद तो गाड़ी अपने आप चल जाती है आगे, ठीक है ना. तो यूजुअली क्या करो कि दिमाग खर्च करने के बजाय कि पहला लाइन क्या लिखें, कलम रुकना नहीं चाहिए. मान लो आरटीआई के बारे में आ गया लिखना कि आरटीआई को क्रिटिकली एनालाइज करो, पहला स्टेटमेंट में व्हाट इज आरटीआई वो लिख दो. इट इज ए गवर्नमेंट लेजिस्लेशन विच प्रोवाइड्स सिटीजन्स राइट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटीज. क्या हो गया, तुम्हारा कस्टम हो गया. जो समझ में आ रहा है इजी वे में कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ एक लाइन तुमने लिख दिया, तो फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखना है उसका पेन तुम्हारा सीधे खत्म हो जाएगा, और धीरे धीरे हैबिट में जब आ जाएगा तो सब जल्दी जल्दी होगा. समझ में आ गया. क्वेश्चन फोकस होना चाहिए हमेशा, आंसर उसी को करने की कोशिश करो जो क्वेश्चन में पूछा गया है. चलो नेक्स्ट आते हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. कल हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था सर, ट्रांसफर ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स इन कैलकुलेटिंग जीडीपी देख लिए थे. अब देखो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. देखो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कुछ आइडिया है किसी को. देखो मतलब देखो मेजरली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है. एक को बोलते हैं कमांड इकोनॉमी, इसको स्टेट इकोनॉमी भी बोलते हैं, इसको और भी अलग अलग नाम से बोलते हैं, ठीक है. दूसरा है मार्केट इकोनॉमी, इसको कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, लेजिस फेयर इकोनॉमी, न्यू लिबरल इकोनॉमी, जो भी बोलना है बोल सकते हो. और तीसरा हो गया मिक्स्ड इकोनॉमी. ठीक है,
पहला टाइप का इकोनॉमी पे सबसे पहले हम लोग आएंगे, कौन सा, कमांड इकोनॉमी या स्टेट इकोनॉमी। कुछ सिंपल सा है, कमांड इकोनॉमी या स्टेट इकोनॉमी क्या होता है, कंप्लीटली स्टेट कंट्रोल्ड है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय स्टेट। स्टेट डिसाइड करेगा कि इस साल टीवी का प्रोडक्शन कितना होगा, कार का प्रोडक्शन कितना होगा, किस राज्य में फैक्ट्री लगेगा, किस और लोग जो उसमें इम्प्लॉय होंगे उनको सैलरी कितनी मिलेगी, इस साल एजुकेशन पे कितना खर्चा होना है, कौन सा स्कूल बनना है, स्कूल में करिकुलम क्या चलना है, एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय स्टेट। स्टेट इकोनॉमी को सेंट्रलाइज इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, नॉन मार्केट इकोनॉमी, अलग अलग नाम है, ठीक है। बट अगेन डोंट गो इनटू दैट, सिंपल बात क्या है, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी विल बी डिसाइडेड बाय स्टेट। तो प्राइवेट टाइप का कोई चीज नहीं, इंफोसिस टाइप का चीज नहीं मिलेगा, टाटा टाइप का चीज नहीं मिलेगा, कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं मिलेगी, जो भी कंपनी है सारी सरकारी कंपनी है, PSU वगैरह मिलेगा। और PSU भी कैसा मिलेगा, 100% स्टेट फंडिंग वाला PSU मिलेगा, शुद्ध खाटी PSU मिलेगा। रशिया, जो पहले रशिया में था, जो पहले चाइना में था। यूजुअली कंट्री जो एसोसिएटेड है वो है अर्स्टवाइल रशिया, मतलब पुराना रशिया, चाइना, क्यूबा, इन सब कंट्री में क्या किया गया था, जितना जमीन है सब नेशनलाइज कर दिया गया था, किसी प्राइवेट आदमी के पास कोई जमीन नहीं रहेगा। तो व्हेन एवरीथिंग इज कमांडेड बाय स्टेट, इट्स आल्सो कॉल्ड, इसको क्रिटिसिज्म में कुछ लोग बोलते हैं, कुछ नहीं है ये, स्टेट कैपिटलिज्म है। कुछ नहीं है बट ये क्या है, स्टेट कैपिटल। कैपिटलिज्म में क्या होता है, प्राइवेट लोग ओन करते हैं, इसमें सब चीज को कौन ओन कर रहा है, स्टेट का। एक तरह से क्या हो गया, स्टेट प्लेयर हो गया। तो कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, स्टेट कैपिटलिज्म भी बोलते हैं। तो स्टेट कैपिटलिज्म में मोस्टली क्रिटिकल सेंस में बोला जाता है, कि मतलब कुछ नहीं, ये कैपिटलिज्म का अनदर फॉर्मेट है, ठीक है। तो रशिया, चाइना, ये एक और इसमें खासियत है, 5-year प्लान या प्लानिंग टाइप की जो चीज तुम सुनते हो, ठीक है ना, वो सारा एसोसिएट होता है कमांड इकोनॉमी से, क्योंकि हर एक चीज स्टेट को करना है, तो स्टेट डिसाइड करेगा, लॉन्ग टर्म विजन रखेगा, तो प्लानिंग टाइप का जो होगा प्रोग्राम, वो सारा एसोसिएट होता है कमांड इकोनॉमी से, ठीक है। मेजरली ये आया कब था, ये अगेंस्ट कैपिटलिज्म आया था, अगेंस्ट मार्केट इकोनॉमी आया था। और आइडिया क्या था, कि मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, चूंकि हर एक को फ्रीडम होता है जो करना चाहे वो करे, तो उसमें इनइक्वालिटी बहुत ग्रो कर जाता है। जो लोग अमीर हैं अमीर होते जाते हैं, जो लोग गरीब हैं गरीब होते जाते हैं, ठीक है। और क्या है कि काफ़ी लोग पॉवर्टी और इनइक्वालिटी, मतलब देयर इज ए इनहेरिट, देयर इज ए क्या बोलोगे, इंटर्न इनहेरिट एबिलिटी होती है कैपिटलिज्म में कि इनइक्वालिटी ग्रो करे। जो रिसेंट बुक आई है थॉमस पिकेटी की, कैपिटल इन 21st सेंचुरी, उसमें उसने ये प्रूव किया, विच इज वेरी हाईली, मतलब क्या कहते हैं, रेड बुक, उसमें उसने ये हाईलाइट किया है कि हाउ कैपिटलिज्म हैज लेड टू ग्रोथ इन इनइक्वालिटी। हमारे यहाँ ही देख लो ना, जब से 1990 के बाद से हमने इकोनॉमी खोली है, तब से क्या हुआ, तुमको बिलियनियर्स मिलियनियर्स कितने ज़्यादा ग्रो कर गए। सोचो 300 बंगले का एंट हिल पे रिलायंस वाले का घर है, उतना तो लोग भी नहीं है उसके यहाँ, 6 लोग, और कहीं लोग के पास घर नहीं है, खाने का साधन नहीं है। तो दीज आर ऑल इफेक्ट्स ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, समझ में आ गया। तो कमांड इकोनॉमी इज एसोसिएटेड विद दीज कंट्री, इट्स ऑल्सो कॉल्ड स्टेट कैपिटलिज्म, एवरी एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय स्टेट, ठीक है। और इट वॉज ब्रॉट अगेंस्ट मार्केट कैपिटलिज्म, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, जहाँ की क्रिटिसाइज किया गया था कि मार्केट इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय ग्रीड, इनइक्वालिटी, करप्शन एंड दीज थिंग्स। बट अगर इसका क्रिटिसिज्म करोगे तो तुम पाओगे कि जब स्टेट सब कुछ करने लगता है तो कंपटीशन खत्म हो गया। तुमको पता है कि तुमको जो है, सपोज करो कि साबुन जो है एक ही कंपनी देगी, उस कंपनी के पास कोई मोटिव नहीं है प्रोडक्ट इनोवेट करने का, क्योंकि उसको पता है कि सामने वाला मेरा ही साबुन खरीदेगा और जाएगा काम, ठीक है, तो वो तो लाइफबॉय ही बेचते रहेगा, ठीक है। जस्ट थिंक, आज जो इतना वैरायटी है
मतलब टूथपेस्ट ले लो, नमक, तेल, क्या क्या नहीं है उसमें, नमक, लौंग, हल्दी, सब कुछ डाल दिया, तो दीज ऑल इनोवेशन सर्वाइव बिकॉज देयर इज अ कंपटीशन एंड यू आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट योर मार्केट. प्राइस कम. अगर केवल BSNL होता तो कनेक्टिविटी नहीं मिलता, BSNL भाई साहब नहीं लगेगा था, ठीक है. आज के दिन में देखो BSNL भी कॉम्पिटिटिव हो गया. एयर इंडिया को हम लोग अभी भी गाली देते रहते हैं, PSU है, घाटा सहते रहता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस भी उतनी अच्छी नहीं है. तो यूजुअली गवर्नमेंट इज एसोसिएटेड विद इनएफिशिएंसी, खास करके कंपटीशन नहीं होगा तो इनएफिशिएंसी और ज़्यादा होगा, जो रशिया में हुआ था. रशिया, चाइना, इन सब के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ था कि जब स्टेट इकोनॉमी पूरी तरह से, आइडियोलॉजी क्या था कि स्टेट जब सब चीज़ को कंट्रोल करेगा तो इनइक्वालिटी नहीं होगा, सबको जॉब मिलेगा, सबको ठीक ठाक पे मिलेगा, सब कुछ होगा. बट उस चक्कर में क्या हो गया, इनएफिशिएंसी हो गया. जब किसी के पास इंसेंटिव नहीं कि तुम बढ़िया काम करोगे तो तुमको सैलरी ज़्यादा मिलेगा, तो व्हाई यू विल वर्क हार्ड. जब तुम काम अच्छा नहीं करोगे तो क्या होगा, जैसा चल रहा वैसा चलता रहेगा. समझ में आ रहा है? तो स्टेट्स आर यूजुअली एसोसिएटेड विद इनएफिशिएंसी, लैक ऑफ इमेजिनेशन एंड स्टेटस को. जो जैसा चल रहा है घटिया सड़ा हुआ वैसा चलता रहेगा. आदमी लोग सरकारी दफ्तर जाने से क्यों डरते हैं, सरकारी दफ्तर घुसते ही तुमको पता चल जाएगा सरकारी दफ्तर है. प्राइवेट में जाओगे झकास चकाचक रहेगा, शीशा लगा हुआ है, लाइटिंग का व्यवस्था, आइए बैठिए, चाय पीजिए, पानी पीजिए, डिस्पेंसर रखा हुआ है, ठीक है. तो वो सारा चेंजेस की बात कर रहे हैं. तो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम विद रशिया वॉज दैट, रशियन रिवॉल्यूशन जब पढ़ेंगे तो फिर ये कवर होगा, ठीक है, चलो लेट्स फॉरगेट दैट. अब आ जाओ मार्केट इकोनॉमी. मार्केट इकोनॉमी आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस यस्टरडे. मार्केट इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन लेजेस फेयर कॉन्सेप्ट कि लेट बिजनेस डू बिजनेस. एक इनविजिबल हैंड है जो कि सब कुछ बैलेंस कर देगा और मार्केट में कंपटीशन है और कंपटीशन विल ड्राइव द एफिशिएंसी एंड द कॉस्ट. कंपटीशन विल ड्राइव द एफिशिएंसी एंड द कॉस्ट. देखो आज के दिन में किसी का भी उठा लो, कॉस्ट भी कम हो गया है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कितना इंप्रूव हुआ है, राइट. एंड व्हाई दिस हैज हैपन, सिंपली बिकॉज ऑफ कंपटीशन. तो वो इंडिविजुअल हैंड काम कर रहा है. अब क्या है, अब इसके अगेंस्ट में क्या सोचता है, इसके अगेंस्ट में पॉइंट बताओ थोड़ा, तुम लोग भी पॉइंट बताओ, मैं थक गया हूँ बोल बोल के, कुछ पॉइंट बताओ. लेकिन मार्केट का क्या कैलकुलेशन, प्रॉफिटेबिलिटी इसमें रिड्यूस होते जाएगा. उससे हमको क्या फर्क पड़ता है, पहला चीज जो तुम बोल रहे हो इनइक्वालिटी, दूसरा बात करें कंपटीशन की, बट देयर इज नो परफेक्ट कंपटीशन. आज के दिन में तुम्हारे लिए तुमको दिखता है इतना सारा प्रोडक्ट, क्रेप्सोडेंट दिखता है, क्लोजअप दिखता है और क्या क्या दिखता है, सबका कंपनी देखना, एक दो कंपनी है, HUL एक कंपनी है और आई थिंक ITC एक कंपनी है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, PNG भी HUL का है शायद, ये किसका है पता नहीं. मतलब हार्डली पूरे वर्ल्ड को अगर देखोगे मैन्युफैक्चरिंग फूड वाला, दो तीन कंपनी याद में. वही क्या करता है, तुमको धोखा देता है, एक ऐड देता है, एक ब्रांच उसका ऐड देता है कि देखो दूसरे कंपनी में जो है लॉन्ग नहीं है, दूसरा का ब्रांच ऐड देता है कि हम तो नीम जो है गार के इसमें डाल दिए हैं, तुम रुपये से इसमें काम चल जाएगा तुम्हारा. दिस इज ऑल प्ले विथ यू, ठीक है. तो कंपटीशन परफेक्ट नहीं है. तो जो हम लोग सोचते हैं कि कंपटीशन है, कंपटीशन तो एग्जिस्ट करता नहीं है बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज कैपिटलिज्म हमेशा टेंडेंसी क्या होती है, कुछ लोग उसमें मैच्योर जब होगा कैपिटलिज्म, सर्टेन प्लेयर विल बिकम सो बिग दैट दे कैन ड्राइव आउट अदर कंपनीज थ्रू प्रीडेटरी प्राइसिंग. फॉर एग्जाम्पल जब तक ओला और उबर ये सब कंपटीशन में था शुरुआत में, देखो खूब बहुत बढ़िया बढ़िया ऑफर आता था, 50% डिस्काउंट, 100% डिस्काउंट, 100 रुपया कैशबैक, 150 रुपया कैशबैक, अब नहीं देता है. इधर से तो बहुत दिन से नहीं हमको ऑफर आया है जियो भी सर, लेकिन क्या है तुम्हारी मजबूरी है, अब तुमको आदत लग गई एसी में बैठ के जाने की, खट से बटन दबा के घर में और कैब नीचे आ जाए वैसा तुमको आदत लग गया है, तो यू कैन नॉट कम आउट ऑफ इट. और अब जो है 1 रुपया छूट नहीं देगा, कल के डेट में तुमको 2 रुपया चार्ज भी ज़्यादा करेगा, तुम गाली दोगे बट फिर भी तुम उसी से जाओगे.
प्रिडिक्टिव प्राइसिंग समझ में आता है कि नहीं आता है? प्राइस लो करके इतना प्राइस लो कर दो कि कंपटीटर बाहर हो जाए, और जब कंपटीटर बाहर हो जाए तो फिर जो मन में आए वो चार्ज करो अपना मोनोपोली बनाने के लिए। ठीक है, तो मार्केट की क्या क्या इसको बोलते हैं, फेल्योर ऑफ मार्केट। तो देर आर वेरियस वेज मार्केट फेल्स। जब हम फेल्योर ऑफ मार्केट करते हैं तो वी स्टार्ट कंपेयरिंग इट टू व्हाट वाज प्रपोज्ड। प्रपोजल वाज दैट इट विल बी हाई एफिशिएंट, फिर दूसरा क्या था, सर्विस होगा, क्वालिटी होगा, प्राइस कम होगा, ये भी हमको सपना दिखाया था। और एक्चुअल में क्या निकला, इनइक्वालिटी बढ़ गया। जिसके हाथ में पैसा है वो क्या, अब आदमी तुम नौकरी खोजने जाओगे तो तुमको जो है 12,000 देगा, सप्ताह में 7-2 दिन काम करवा लेगा, पता नहीं कब से कब तक रुकवा देगा, है कि नहीं, एक्सप्लॉयटेशन है वर्कर्स का। दूसरी बात है, परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। मोस्टली क्या होता है, मोनोपोली या ओलिगोपोली बोलते हैं, मतलब 2-3 मेजर प्लेयर हों, ओलिगोपोली है। तीसरी बात, हमारे तुम्हारे यहाँ तो बहुत बढ़िया बढ़िया स्कूल खुला हुआ है जी, गांव में क्यों नहीं खुला हुआ है प्राइवेट स्कूल? अच्छा, पेइंग कैपेसिटी। प्राइवेट विल ओनली वर्क जहाँ पेइंग कैपेसिटी होगा। तो क्या गांव के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? भारत में 70% लोग गांव में रहते हैं, तो भारत के लोग गांव के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये तो नहीं है। दे हैव अ राइट टू स्टडी, बट मार्केट मैकेनिज्म विल नेवर डिलीवर द सर्विस देयर। जो तुम्हारा विजन है इक्वल ग्रोथ का, रीजनल ग्रोथ का, बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं लगेगा, सारी इंडस्ट्री क्यों जाके गुजरात में लगेगी? ये काम इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो स्कूल खोलता है, खोल सकता क्या है? खोलता है। इंडियन गवर्नमेंट गैस को मुंबई से उठा के कानपुर के पास औरैया में ले जाके प्लांट वहां पे बिठाता है ताकि वहां का डेवलपमेंट हो सके। प्राइवेट आदमी ऐसा नहीं करेगा, प्राइवेट आदमी अगर गैस वहां मिल रहा है हम उतना दूर ढो के ले जाएंगे और उसके बाद वहां पे काम करेंगे। तो ये जो विजन है, बोकारो का डेवलपमेंट हो गया, रांची का डेवलपमेंट हो गया, वहां प्लांट लगाना, ये सारा काम जो है ना कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कर सकता है। एजुकेशन प्रोवाइड करना, एजुकेशन हाई फाई, वीडियो लेक्चर, फलाना क्लास, ये क्लास प्राइवेट कर सकता है, बट प्राइवेट क्लास गांव में जाके नहीं करेगा। तो कैन ए गवर्नमेंट अलाउ दिस टू हैपन? This will further increase the inequality. दूसरी बात, प्राइवेट के पास इतना पैसा है, आजकल तो खैर प्राइवेट के पास बहुत पैसा होने लगा है, बट एक टाइम की बात सोचो कि प्राइवेट के पास इतना पैसा है कि तुमको रोड बना दे, रेलवे लाइन बिछा दे, कुछ काम का रिटर्न पीरियड इतना ज़्यादा लंबा होता है कि वो काम भारत सरकार को ही करना पड़ेगा, रोड बिछाने का काम, सैटेलाइट छोड़ने का काम, ये सारा काम कौन कर सकता है? भारत सरकार ही कर सकता है, बिकॉज ऑफ द क्या कर सकते हो, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये काम कौन कर सकता है? केवल भारत सरकार ही कर सकता है, क्लियर है? तो यहाँ भी प्राइवेट प्लेयर फेल हो जाते हैं। प्लस तुम्हारा कुछ विजन है भारत सरकार का, सोशलिस्टिक विजन है, वेलफेयर एक विजन है, ये सारा विजन तुम प्राइवेट आदमी से नहीं करा सकते हो। दूसरी बात बोलते हैं, तुम एक बात देखना, कितना भी प्राइवेट बैंक खुल गया है लेकिन लोग का जो, लोग SBI को खूब गाली देते हैं बट लोग का भरोसा जो SBI पे है वो नहीं जाएगा कभी भी। बहुत चीज़ में लोग सरकारी चीज़ पे बहुत भरोसा करते हैं, किसी पेंशन स्कीम लेते हो या ये लेते हो, LIC क्यों इतना चल रहा है? क्योंकि सबको ये रहता है कि हम जब पेंशन लेने जाएंगे क्या पता कल के दिन में बंद हो जाए, भाग जाए ये प्राइवेट कंपनी, बट ये सरकारी है, भरोसा है, सरकार पैसा तो दे ही देगी, रो के देगी लेकिन दे तो देगी, राइट? वो एक ट्रस्ट है, क्यों सरकार भाग नहीं सकती, ठीक है? तो ये सर, अब आते हैं करप्शन वाले एंगल पर। भारत सरकार ने अपना कुछ काम आउटसोर्स कर रखा है प्राइवेट को। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में क्या स्कीम था कि आप हॉस्पिटल जाओ, अपना राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्ड दिखा, तुम्हारा फ्री में इलाज होगा और वो लोग क्लेम कर लेंगे किससे, सरकार से। तो वो मान लें लोगों का जबरदस्ती कुछ कर
सर दर्द हो रहा है तो पेट को ऑपरेशन करके कर दिया, क्यों? क्योंकि उसको पैसा वसूल करना है। कितनी महिलाओं का जो था कि फैमिली प्लानिंग वगैरह का ऑपरेशन करा दिया, जबरदस्ती गई नहीं है उसके लिए, करवा इसलिए दिया कि उसका पैसा ले लेंगे, तो करप्शन तो वहां भी है। तो ये सारा मार्केट फेल्योर को इंडिकेट करता है। तो मार्केट इज नॉट परफेक्ट एंड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट वॉज 1929 का ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन कहाँ आया था? यूएस में आया था। एंड इट क्लियरली शोड, ग्रेट डिप्रेशन कहाँ आया था? यूएस में आया था। एंड इट क्लियरली शोड हाउ मार्केट इज ए बिग फेल। क्यों? Everyone was looking after their greed. Nobody had a long vision. Nobody had a long vision कि क्या होगा, कैसे होगा, सब तो सोच रहे हैं। देखो, मार्केट की सबसे बड़ी समस्या जो मेरे हिसाब से है, इंडिविजुअलिज्म है। हर एक आदमी अपने लिए सोचता है मार्केट में, जिसको क्या बोलता था, इनविजिबल हैंड भी बोलता था वो। बट अगर एक तरह से देखो, एक सबसे बड़ी समस्या है, आई डोंट केयर तालाब पॉल्यूट हो रहा है बिकॉज आज के दिन में मुझे पैसा मिल रहा है। आई डोंट केयर तुम्हारा ग्रोथ मॉडल सस्टेनेबल है कि नहीं, क्योंकि मेरे को टेंशन बस ये है कि आज के दिन मुझे पैसा मिलना चाहिए। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट कि आने वाला 100 साल का जनरेशन क्या झेलेगा। तो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, जिसको सबसे बिगेस्ट पावर बताया था उसने, वो वीकनेस भी है, बिकॉज एवरीबॉडी थिंक्स अबाउट देमसेल्फ, नोबॉडी हैज ए ओवरऑल पिक्चर। ठीक है, तो ये 1929 का ग्रेट डिप्रेशन, इसके बारे में जितने भी प्रॉब्लम्स, आई थिंक वी विल डू इट इन अ सेपरेट क्लास। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, ओवर प्रोडक्शन हो गया, लोग बिना सोचे प्रोड्यूस कर रहे थे, फाइनली देयर वाज अ ग्रेट डिप्रेशन एंड देयर वाज अ बिग मार्केट फेल। उस वक्त जॉन कीनीज, मैं लिखूंगा सिंपल, उस वक्त कीनीज जो था एक स्कॉलर था, इकोनॉमिस्ट था, एंड ही क्रिटिकली क्रिटिसाइज मार्केट इकोनॉमी। और उसने बोला कि सारा प्रॉब्लम जो है इसलिए है बिकॉज गवर्नमेंट हैज स्टॉप्ड इंगेजिंग विथ मार्केट। और उसने कहा कि देयर इज ए स्ट्रॉन्ग डिमांड दैट गवर्नमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मार्केट। और उसने कहा कि अगर आपको इस डिप्रेशन से बाहर आना है, देन गवर्नमेंट हैज टू टेक स्टेप्स, एंड व्हाट गवर्नमेंट नीड्स टू डू इज दैट गवर्नमेंट नीड्स टू स्पेंड ऑन पीपल, क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, जनरेट एम्प्लॉयमेंट। देखो, सब लोग दुखी हैं, प्राइवेट कंपनीज पैसा नहीं लगाना चाहती हैं, क्यों? क्योंकि सारा माहौल जो है एकदम लो चल रहा है। तो बोला ऐसे में इसको बचाने वाला एक ही मसीहा है, वो सरकार। सरकार पैसा खर्च करेगी, जबरदस्ती लोगों को रोड बनवाओ, एम्प्लॉयमेंट हो, उसका क्या होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगा, एट द सेम टाइम लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लोग के पास दो पॉकेट में पैसा जाएगा तो लोग क्या करेगा, शाम को बैठ कर कुछ ना कुछ खाएगा बढ़िया, थोड़ा ज़्यादा पैसा बनेगा तो मूवी भी देख लेगा, तो फिर क्या होगा, लोग मूवी देखने जाएगा तो मूवी वाले का धंधा चलेगा, क्योंकि लोग दुखी होकर मूवी नहीं देख रहे थे। लोग जो है कल के दिन में थोड़ा सा खाने पीने लगे, सामान खरीदने लगे, तो क्या होगा, फिर से इकोनॉमी बूस्टअप हो जाएगा, रीस्टार्ट होगा। तो कीनीज का प्रिंसिपल सिंपल एक सा था कि व्हेन देयर इज ए मार्केट डाउनफॉल, देन द मेन रोल ऑफ अपलिफ्टिंग मार्केट फॉल्स ऑन गवर्नमेंट। Government should start spending on public through various ways, infrastructure create करो, social schemes चलाओ, and that's how you will again restart your economy. इसको ऐसे सोचो, कि एक बार एग्जाम में फेल हो गए, दुखी हो जाते हो, दोबारा फिर से फेल हो गए और दुखी हो, कहते हो आप तो कुछ नहीं यार, ये सब जिंदगी तो मोह माया है, पत्थर खरीदना पड़ेगा और किसी के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। बट उसी वक्त ऐसा हो जाए कि कोई तुमको छोटा सा सक्सेस मिल जाए, तो जो बुझा हुआ मसाला था तुम्हारे अंदर, उसमें फिर से आग पकड़ता है, एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट अगेन। ठीक है, तो सिंपल कीनीज का प्रिंसिपल क्या है, जब बताओ मार्केट में तुम पैसा फेंको,
एक्सपेंशनरी पॉलिसी का सिंपल क्या मतलब होता है, तुमको मार्केट में पैसा डालना है, तो क्या होगा लोग के पास अब पैसा जाएगा तो लोग क्या करें, तुम्हारे पास पैसा होता है तुम क्या करते हो बताओ, खर्चा ही करते हो ना, करते हो ना, जब तुम खर्चा करोगे तो जो बेचने वाला है उसका दुकान चलेगा, तो और सिस्टम में पैसा लगाएगा, तो इस तरह से क्या होगा, इकोनॉमी रीस्टार्ट होगा। ठीक है, आई एम गोइंग टू रीड इट फ्रॉम माई नोट्स, ठीक है, जस्ट लिसन, लिखने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 वाज ए मेजर सेटबैक फॉर मार्केट इकोनॉमीज एंड हाईलाइटेड मार्केट फेल्योर। जॉन माइनार्ड कीनीज इन हिज बुक, बुक का नाम लिख दो सॉरी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये उसकी बुक थी। क्या कहते हैं, हाँ, कीनीज इन हिज बुक क्वेश्चन द वेरी प्रिंसिपल ऑफ लेजेस फेयर एंड द लेजेस फेयर एंड द नेचर ऑफ इनविजिबल हैंड। He argued that the invisible hand brings equilibrium to the economy, but by strangulating the poor. Keynes suggested strong government intervention in the economy. To get the economy out of depression, he suggested an increase in government expenditure, discretionary fiscal policy to boost the demand of goods and services, as this was the reason behind depression. As Keynesian policies were followed, the concerned economies were successfully pulled out of Great Depression. तो Great Depression के time पे उसकी थ्योरी काफ़ी यूज हुई थी, एंड अगेन जब इस बार 2008 का क्राइसिस जब आया था तो अगेन Keynes बिकेम इम्पॉर्टेंट, क्योंकि तुमने देखा होगा उस टाइम पे भारत ने भी एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपना के काफ़ी सारा खर्चा किया था, बहुत सारा सोशल सेक्टर स्कीम्स चलाया था। ठीक है, तो Keynes इज स्टिल रेलिवेंट, बट मेन हिज थ्योरी वॉज दैट व्हेनेवर देयर इज अ डाउनफॉल इन द मार्केट, then it's the government's job becomes very important that it restarts economy, क्योंकि उस वक्त कोई private player कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि private को जब तक profit नहीं दिखेगा तब तक वो काम नहीं करेगा, clear है? तो this is the failure of market. अच्छा, हमने we have studied command economy, उसके क्या challenges हैं, we have talked about, क्या challenges हैं आदित्य, आदित्य रहे, खतरनाक इनएफिशिएंट है। ठीक है, तो जब जब सब चीज सरकारी हो जाएगा तो तुम भाग भी नहीं सकते हो कहीं। ठीक है, तो वो बात है। ठीक है, इनएफिशिएंसी है, करप्शन उस वक्त भी बहुत होता है, तुमको पता है तुम सामने वाले को कि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो सामने वाले को पैसा नहीं दोगे तो कुछ काम नहीं करेगा, इनोवेशंस नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि कोई इंसेंटिव नहीं है इनोवेशन का, समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें हैं। अब आते हैं मार्केट इकोनॉमी पे, मनोज बताएगा कि मार्केट इकोनॉमी के क्या क्या चैलेंजेस हैं, मार्केट इकोनॉमी में क्या है कि किसी कोई जो बड़ी कंपनी है तो उसी का मतलब मार्केट में दबदबा आता है, कोई परफेक्ट कंपनी से वहाँ पर नहीं हो पाता है, और मार्केट जैसे मार्केट एक तरह से फेल्यूर हो जाता है, जैसे प्रीडेटरी प्राइस के का यूज करके क्या होता है कि कोई एक ही मतलब कंपनी अपना दबदबा बनाए रखती है, उसके बाद उसमें इनइक्वलिटी बढ़ जाता है, और उसमें क्या होता है जैसे वर्कर्स का हो गया, चाइल्ड का हो गया उसमें, और वुमेन का इसमें एक्सप्लॉयटेशन होता है। चलो आई थिंक हम लोगों ने कवर कर ही रखा है, बाकी तो तुम रिवाइज कर लोगे नोट्स, ठीक है ना? क्या था तो हो गया दो टाइप का इकोनॉमी, तो दोनों में प्रॉब्लम है, राइट? एंड वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ मार्केट फेल्योर्स वाज ग्रेट डिप्रेशन एंड हाउ इट इंपैक्टेड इंडिया, वो भी हम लोग पढ़ेंगे लेकिन थोड़ी देर में। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टाइप का इकोनॉमी मैंने क्या बताया था आप लोग को, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में कुछ बताने का जरूरत है, बताओ मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? पाया गया कि दोनों सिस्टम्स वेर इनएफिशिएंट, पाया गया दोनों सिस्टम्स वेर नॉट सुटेबल, तो आज के दिन में मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज आर मिक्स्ड इकोनॉमीज कंप्लीटली, कहीं भी जो है प्राइवेट लोग के हाथ में इकोनॉमी नहीं छोड़ते हैं कंप्लीटली, कहीं भी हर एक चीज सरकार के हाथ में नहीं देते हैं, क्या करते हैं बीच बीच में रखते हैं, कुछ काम सरकार करेगा कुछ काम प्राइवेट आदमी करेगा,
जहाँ सरकार काम कर रहा है वहाँ भी प्राइवेट आदमी को काम करने दे दिया। फॉर एग्जाम्पल BSNL है, एट द सेम टाइम भारती भी है, भारती मित्तल भी है, जियो भी है कि नहीं। गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम गेल भी करती है, गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम रिलायंस भी करती है, ठीक है। तो जहाँ प्राइवेट में एयरलाइंस में एयर इंडिया भी है, एयरलाइंस में इंडिगो भी है, तो उससे क्या है कि इससे एक फ़ायदा होता है, इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर प्राइवेट बहुत मोनोपोली करेगा तो स्टेट के पास में क्या है उसको पुल करने का ताकत है। मान लो प्राइवेट लोग बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाने लगे तो BSNL क्या करेगा, अपना अगर टैरिफ लो करेगा तो सारे लोग कूद के किधर आ जाएंगे, BSNL में आ जाएंगे। तो प्राइवेट के पास वो डिस्क्रेशन कि कितना हम टैरिफ लगा सकते हैं वो कम हो गया, समझा गया। तो मेनली मिक्स इकोनॉमी का क्या मतलब है, मिक्स इकोनॉमी वहाँ है जहाँ स्टेट एंड प्राइवेट बोथ इंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। इससे क्या एफिशिएंसी भी मेंटेन होता है, जहाँ स्टेट को इंटरवीन करना होता है स्टेट इंटरवीन भी करता है, लॉन्ग टर्म विजन भी करता है। और मेनली मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है, स्टेट का रोल क्या होता है, फैसिलिटेटर का होता है। स्टेट का रोल क्या होता है, मेनली फैसिलिटेटर का होता है। फैसिलिटेटर का रोल मतलब फॉर एग्जाम्पल हमको उत्तराखंड में क्या करना है, कुछ काम करवाना है, इस उत्तराखंड में स्टील प्लांट लगवाना है, तो हम क्या कहेंगे, जो भी आदमी हम क्या करेंगे, बोलेंगे कि जो टैक्स है GST प्रोडक्शन पर, जो कि पहले एक टाइम पे क्या बोला एक्साइज इनडायरेक्ट टैक्स था, ठीक है, तो वो ड्यूटी हम उत्तराखंड के लिए वेव ऑफ कर दिया। तो सिर्फ उस ड्यूटी को उसका फायदा उठाने के लिए सब लोग क्या करेगा, आउटपुट के वहाँ चले, स्टेट को एक रुपया नहीं लगाना पड़ा, स्टेट ने बस क्या किया, इंसेंटिव दे दिया वहाँ जाने का। ऐसा कर दे भारत सरकार बोले कि रूरल एरिया में तुम स्कूल खोलो, ठीक है, बढ़िया स्कूल खोलो, जितना पैसा मिलेगा वो तो ठीक है, बाकी हर बच्चा पे हर महीने 2000 रुपये ट्यूशन फी के हिसाब से जो गैप होगा वो हम पे करेंगे। तो किसी को भी प्राइवेट प्लेयर को स्कूल खोलने में गांव में क्या दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तो उसका पैसा तो आ ही जा रहा है, उसको तो 2000 के हिसाब से पर बच्चा मिल जा रहा है। तो इस तरह का रोल स्टेट लेती है मिक्स इकोनॉमी में, समझ आ गया। साथ में प्लानिंग जो होता है वो क्या होता है, इंडिकेटिव प्लानिंग होता है। प्लानिंग इंडिकेटिव होता है, अभी जो मैंने बात किया कि टैक्स रिबेट दे देंगे, जान के तुम विजन स्टेटमेंट निकालोगे कि हम 5 साल में ऐसा करना चाहें, उससे क्या होगा, तुरंत प्राइवेट आदमी रिपोर्ट पढ़ेगा, अच्छा भारत सरकार अगले 5 साल में जो है ना बहुत सारा रिन्यूएबल एनर्जी खरीदना चाहती है, चलो हम लोग सोलर पावर प्लांट बना देते हैं, क्यों, क्योंकि भारत सरकार खरीदने वाली है 5 साल में। यू आर ट्राइंग टू इंडिकेट कि वट आर योर प्रायोरिटीज, तो उसको ताकि प्राइवेट लोग कैप्चर कर सकें, समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब आते हैं, ये तो हो गया जनरल केस, ठीक है, इंडिया पे आते हैं, इंडिया स्पेसिफिक हम लोग पढ़ेंगे। तो हमने क्या कहा था, पहली बात एक तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया था कि मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी आज के दिन में वर्ल्ड की क्या है, मिक्स इकोनॉमी है। अलग बात है स्टेट और प्राइवेट का बैलेंस क्या होगा, दैट शुड बी अ बैलेंस ना। तो जैसे USA वगैरह में हमारे यहाँ PSU वगैरह बहुत सारे हैं, स्टेट में इतना PSU नहीं है, US में इतना PSU भी नहीं है, रशिया में चले जाओगे या चाइना में चले जाओगे तो ज़्यादा PSU है, समझना है। तो बैलेंस वेरी करेगा बट मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी इज़ अ मिक्स इकोनॉमी, खत्म हो गया। नाउ वी कम टू स्पेसिफिक केस ऑफ इंडिया। इंडिया फ्रॉम द बिगिनिंग सिंस इंडिपेंडेंस हैव बीन ए मिक्स इकोनॉमी, इंडिया सिंस बिगिनिंग हैव बीन ए मिक्स इकोनॉमी। हमने कभी भी प्राइवेट लोगों को काम करने से नहीं रोका है, हमने कभी भी प्राइवेट लोगों को काम करने से नहीं रोका है। कोई डाउट है किसी को, अमित को डाउट हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम अब इनिशियल ईयर्स की बात करते हैं, हम अब कब की बात करते हैं, इनिशियल ईयर्स टिल 1990 पकड़ लो, ठीक है, शुरुआत से। तो हमारा जो बैलेंस था वो ज्यादा किसके फेवर में था, शुरुआत में स्टेट के फेवर में था। तो हमारे लिए PSUs वर वेरी इंपॉर्टेंट। PSU को नेहरू क्या बोलते थे, टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, नेहरू क्या बोलते थे, टेंपल्स उसको और डैम को बोलते थे, PSUs एंड डैम्स आर टेंपल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया वो बोलते थे। उनका मानना था कि
प्राइवेट लोग के पास आज़ादी के समय इतना पैसा नहीं है कि वो लोग बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकें, ठीक है। तो हमारा इनिशियल ईयर में डोमिनेंस किसका था? PSU का था। हमने 5 ईयर प्लान लाया था, 5 ईयर प्लान मैंने तुमको किसका बताया था? कमांड इकोनॉमी का बताया था ना, क्योंकि उसको प्लान बनाना होता है। तो हमारा 5 ईयर प्लान किससे इंस्पायर्ड था? रशिया से इंस्पायर्ड था, ठीक है। एंड देयर वाज अ रीजन फॉर इट, द बैलेंस बिटवीन प्राइवेट एंड स्टेट वाज टिल्टेड टुवर्ड्स स्टेट सिंपली बिकॉज 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था। तो इन लोग के दिमाग में ये बसा हुआ था कि साला कैपिटलिस्टिक सिस्टम में अगर घुसे तो इसी तरह काम फेल करेंगे, ठीक है। उस वक्त जो रशिया के साथ प्रॉब्लम था वो प्रोमिनेंट हुआ नहीं था, तो इंडियन नेहरू खास करके थोड़ा सा इंक्लिनेशन भी उधर था, ठीक है, सोशलिस्टिक पैटर्न पे नेहरू कहीं। तुमने अगर आज़ादी का फ्रीडम मूवमेंट पर होगा तो नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, दे आर एसोसिएटेड विद सोशलिस्टिक मूवमेंट ऑल्सो। तो एक तो नेहरू के बायस के कारण, और दूसरा उस वक्त रशिया ग्रो कर रहा था जबकि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी वेर इन शैम्बल्स, तो इसके कारण पे। तो PSU पे फोकस था, 5 ईयर प्लान पे फोकस था, जित इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन हमारा गोल था। गोल क्या था कि बाहर से सामान कमाए, गोल क्या था? बाहर से सामान कमाए, एक्सपोर्ट करना गोल नहीं था। तो बाहर से अगर तुमको कुछ मंगाना है अपने देश में तो उस पर खतरनाक नियम कानून पाबंदी लगा हुआ था, फलाना अप्रूवल लीजिए, चिलाना अप्रूवल लीजिए, इतने से बड़ा नहीं मंगा सकते हैं, उतने से बड़ा नहीं मंगा सकते हैं, इतना सारा, ठीक है। तो क्या था, इनिशियल ईयर्स में इंडिया सोशलिस्टिक पैटर्न पे था जहाँ मिक्स इकोनॉमी होते हुए भी मोर फेवरेबल टुवर्ड्स स्टेट था, PSU का इम्पोर्टेंट रोल था, 5 ईयर प्लानिंग हमने अडॉप्ट किया था, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन हमारा क्या था, मेन एजेंडा हुआ करता था। तो प्राइवेट लोग के लिए क्या छोड़े थे, प्राइवेट लोग के लिए छोड़ रहे थे कंज्यूमर गुड्स बनाओ, साबुन बनाओ, टिकली बनाओ, मोबाइल बनाओ, छोटा छोटा सामान सब बनाओ, बड़ा बड़ा फैक्ट्री सब भारत सरकार लगाएगा, मोनोपोलीज था, ठीक है ना, रेलवे में मोनोपोली था, टेलीकॉम में मोनोपोली था, सब चीज में मोनोपोली था, ठीक है। तो ये सारा था हमारा। लेकिन ये मॉडल धीरे धीरे चल के लोगों को रियलाइज होने लग गया कि काम नहीं कर रहा, और फिर 1990 में क्या हुआ, सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया। फिर 1990 में क्या हो गया, सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है वो बाद में पढ़ेंगे, अभी समझ लो कि हम लोग दूसरे देश को डॉलर में पे नहीं कर पा रहे थे, अभी इतना ही समझ लो, ठीक है। हमारे पास डॉलर था ही नहीं क्योंकि हम लोग कुछ बेच नहीं रहे थे, हमारा सामान कोई ले नहीं रहा था, हम लोग को तेल तो मंगाना ही होता था, लेकिन तेल का पैसा तुम्हारा को रुपया में कोई नहीं लेगा, डॉलर में लेगा, अब वो डॉलर में पे करने की कैपेसिटी हमारी नहीं थी, ठीक है। तो अंडर IMF ने प्रेशर डाला कि हम तुमको पैसा देंगे बट यू हैव टू गो फॉर ए रिफॉर्म। हमने रिफॉर्म किया और इट वॉज कॉल्ड LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो अंडर क्या कर सकते हो, अंडर द गाइडेंस ऑफ IMF वी एक्चुअली वेंट फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, इट्स ऑल्सो कॉल्ड LPG, इट्स ऑल्सो कॉल्ड राव मनमोहन रिफॉर्म। राव मनमोहन क्यों, पीवी नरसिम्हा राव थे प्राइम मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह हमारे क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। इट्स ऑल्सो कॉल्ड राव मनमोहन रिफॉर्म। तो 1990 में BOP क्राइसिस जब सॉल्व नहीं हुआ तो हम लोग विदेश से कर्जा मांगे IMF से, IMF ने पैसा दिया और बोला कि हम तुमको पैसा ऐसे नहीं देंगे, तुम ये काम करोगे तब करेंगे। तो इट लेड टू LPG। तो लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है,
लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है? लाइसेंस रूल ये सब। लिबरलाइजेशन पहले क्या था, अगर तुमको कोई भी फैक्ट्री सेटअप करनी है तो तुमको लाइसेंस लेना होता था। तुमने लाइसेंस राज का नाम खूब सुना होगा, ठीक है, और तुम लाइसेंस लेने जाओ तो तुमको खूब घूस देना पड़ेगा, ठीक है, वही था लाइसेंस राज, ठीक है। तो क्या था पहले लिबरलाइजेशन में, क्या क्या बोल दिया, कुछ कुछ इशू को छोड़ के, फॉर एग्जांपल रेल, एटॉमिक एनर्जी, और भी दो था हजार्डस केमिकल्स, इन सब के अलावा तुम कोई प्लांट खोलना चाहते हो तो उसके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लाइसेंस राज वॉज डिसमेंटल्ड, दैट वॉज लिबरलाइजेशन। तुम फैक्ट्री खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लाइसेंस लेना और अप्रूवल लेना में अंतर है। लाइसेंस लेना हो गया कि तुम फैक्ट्री खोलोगे कि नहीं खोलोगे उसका परमिशन लेना। अप्रूवल के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लोगे उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, हेल्थ एंड सेफ्टी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो वो तो आज भी लेना पड़ता है। बट लाइसेंस का जो एक्स्ट्रा प्रोसेस था वो डन अवे विथ हो गया। तो पहला क्या हो गया, लाइसेंस राज वॉज डन अवे विथ। दूसरा टर्म क्या है, प्राइवेटाइजेशन। अजय बताओ प्राइवेटाइजेशन क्या है? जैसे पीएसयू उसको ले रही है और वो परफॉर्म नहीं कर रही, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये वाले प्रोडक्ट्स प्राइवेट अगर बेटर बना सकते तो वो। देखो, सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन का दो तीन एंगल है। पहला क्या है कि पीएसयू में स्टेक कम कर दो, वो भी एक तरह से प्राइवेटाइजेशन है। जो खराब पीएसयू करे उनको बेच दो, वो भी प्राइवेटाइजेशन है। दूसरा, पीएसयू पहले क्या था, मोनोपोली में काम करते थे, तो बोल दिया कि आज से गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम सिर्फ गेल नहीं करेगा, आज से गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम कोई भी कर सकता है। टेलीफोन कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का काम केवल बीएसएनएल नहीं करेगा, कोई भी कर सकता है। तो प्राइवेट लोगों को जो पीएसयू की मोनोपोली थी उसको खत्म करके उनको भी पार्टिसिपेट करने देना भी प्राइवेटाइजेशन है। समझ में आ गया? तो ये हो गया प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्लियर है, लाइसेंस राज खत्म करना, प्राइवेटाइजेशन क्लियर है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन बताओ सुजीत। पहले जैसे हमारा फोकस क्या था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, उससे हटके अब फोकस क्या हो गया, एक्सपोर्ट करना। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट अब हम फ्रीली, पहले बताए थे ना इंपोर्ट करने में एकदम हालत खराब कर देता था, अब क्या होता है इंपोर्ट हो सकता है इजीली। एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है हमको, पहले इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करना गोल था और अब गोल क्या हो गया, एक्सपोर्ट प्रमोशन गोल हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, फॉरेन फंडिंग आना शुरू हो गया, एफडीआई वगैरह को अलाउ किया। समझ में आ रहा है? इन्वेस्टमेंट वगैरह को अलाउ किया कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आ जाए। तो इस तरह से हम लोग ग्लोबलाइज हो गए, मतलब हमने जो बैरियर क्रिएट कर रखा था विदेश के साथ ट्रेडिंग और इंटीग्रेशन में, वो बैरियर हमने कम किया। क्लियर है? आई होप कि एलपीजी क्लियर हो गया। रॉ मनमोहन रिफॉर्म इसी को बोलते हैं, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये रिफॉर्म हो गया, बाकी इसका क्या पॉजिटिव नेगेटिव है वो सब धीरे धीरे तुम लोग को न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते या आर्टिकल्स पढ़ते पढ़ते आइडिया हो जाएगा, ठीक है। बट ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एलपीजी क्या है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा मॉडल। अच्छा, सविता बताएगी कि इंडिया मिस इकोनॉमी 1990 के पहले एक्सेप्ट किया कि बाद में एक्सेप्ट किया? देखो, चाय में चीनी पड़ता ही नहीं पड़ता, ये बताओ, पड़ता ही नहीं पड़ता चाय में चीनी पड़ता है? कुछ लोग ज्यादा, दो कप चीनी लेते हैं, कुछ लोग एक कप लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं बस थोड़ा सा दो दाना डाल दीजिएगा, चीनी तो पड़ता है। मिक्स इकोनॉमी का मतलब है व्हेन यू आर अलाउइंग स्टेट एंड प्राइवेट प्लेयर टू प्ले टुगेदर इन द इकोनॉमी। When you are allowing state and private players to work together in the economic region, तो वो मिक्स इकोनॉमी रहता है।
इससे फर्क नहीं पड़ता है कि स्टेट का ज्यादा रोल है कि प्राइवेट का ज्यादा रोल है, क्लियर है। 1990 से पहले ये जो बैलेंस था वो स्टेट के फेवर में था, 1990 से पहले ये जो बैलेंस था कि प्राइवेट और स्टेट का, वो क्या था, स्टेट के फेवर में था। लेकिन 1990 में जब डायबिटीज हो गया तो क्या हो गया, चीनी का मात्रा कम हो गया। उसी तरह से 1990 में जब रिफॉर्म हो गया तो क्या हो गया, स्टेट का रोल कम हो गया और प्राइवेट का रोल हमने बढ़ा दिया। इसमें कोई दिक्कत है? तो अब फिर से सवाल तुमसे पूछते हैं कि मिक्स इकोनॉमी इंडिया में कब से था, सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है, ओके। चलो क्लियर है इतना। अब एक दो चीजें मैं बताना चाह रहा था, एक दो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ट्रिकल डाउन थ्योरी, किसी को पता है ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या जो? अच्छा ट्रिकल डाउन थ्योरी लिख रहा है, पहले तो लिख लो टॉपिक, लिख लो क्या है? ट्रिकल डाउन थ्योरी, पहले सुजीत को बोलने देते हैं फिर तुम बताना अपने, ठीक है। आप सुजीत बताओ ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या है। सर मतलब डेवलपमेंट के लिए सरकार को पूरा इंक्लूसिव नहीं जाना है, वो टॉप लेवल के लोगों को हेल्प करे, उनके थ्रू वो जो ग्रोथ है वो ट्रिकल करेगा नीचे के नीचे लेवल पे। टॉप लेवल कंपनीज को हेल्प करेगा तो उनके एम्प्लॉयज ग्रो करेंगे, उन एम्प्लॉयज के थ्रू जो नीचे के लोग हैं जो डेली वर्कर हैं वो सब ग्रो करेंगे और इकोनॉमी ठीक होगी। दोनों ऑलमोस्ट सेम ही चीज बोले, सिंपल ये है ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या बोलता है कि इफ़ यू प्रोवाइड फैसिलिटीज एंड टैक्स रिबेट एंड अदर कंसेशंस टू द टॉप स्ट्रेटा ऑफ इकोनॉमी, देन व्हाट विल हैपन इज दैट ओवर द टाइम इट विल इटसेल्फ बेनिफिट द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द इकोनॉमी। इसको ऐसे समझो कि अगर मैंने एक गरीब आदमी को कुछ टैक्स रिबेट दे दिया तो पैसा कहाँ जाएगा, कंजम्पशन में जाएगा। गरीब आदमी को अगर तुमने कुछ टैक्स रिबेट दिया तो कंजम्पशन जाएगा, कल तक में भी तुमको हमको अगर कुछ टैक्स रिबेट मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, कल तक कार नहीं है कल कार खरीद लेंगे, या क्या करेंगे, पहले छोटका कार खरीदेंगे, अगर और टैक्स रिबेट मिला और पैसा बचा तो बड़ा कार खरीद लेंगे, हम लोग तो वहीं तक सोचते हैं। लेकिन अगर तुमने सेम टैक्स रिबेट अमाउंट में परसेंटेज में अगर तुमने किसी एक एंटरप्रेन्योर को दे दिया तो कार नहीं खरीदने जाएगा, वो एक नया सेटअप खड़ा कर देगा, उस सेटअप में क्या होगा फिर नए लोग इंप्लॉय होंगे, समझ आ गया। तो ट्रिकल डाउन अप्रोच क्या है कि इफ यू बेनिफिट द टॉप स्ट्रेटा ऑफ इकोनॉमी देन दैट बेनिफिट इटसेल्फ परकोलेट्स यानी कम्स डाउन टू द लोअर स्ट्रेटा ऑफ इकोनॉमी, एंड इन अ वे जस्ट बाय फोकसिंग ऑन द टॉप स्ट्रेटा यू आर एक्चुअली बेनिफिटिंग द ऑल होल इकोनॉमी। तो नेहरू का ये मानना था कि अगर हम केवल ऊपर के लोगों को ज़्यादा फायदा पहुँचा, ऐसा नहीं कि गरीबों के प्रति इनसेंसिटिव था, बट उसका सिंपल ये मानना था बिकॉज दीज पीपल हैव द इंसेंटिव एंड द कैपेबिलिटी टू इन्वेस्ट इन इकोनॉमी, हैंस दे शुड बी गिवन, मतलब क्या कह सकते हैं, सम काइंड ऑफ रिबेट एंड फोकस सो दैट दे कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड अदर फैसिलिटीज टू द लोअर स्ट्रेटा, बोलिए था। आज भी कहीं भी देखना कि किसान का लोन डिफॉल्ट होता है बहुत ह्यू एंड क्राई होता है बिकॉज ही इज द एंड कंज्यूमर ऑफ इट, उसका लोन खत्म हुआ खत्म हो गया, ठीक है। बट देखना प्राइवेट लोग का लोन माफ होता है तो फिर भी उतना हल्ला नहीं होता है, एक तो कारण ये है कि मीडिया कंट्रोल करते हैं लोग, दूसरा कारण ये भी है कि उसको हमेशा ऐसा देखा जाता है कि इट वॉज एन एफर्ट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट विच हैव फेल्ड, इट वॉज नॉट दैट कि दैट लोन वॉज गिवन फॉर पर्सनल कंजम्पशन या इसके लिए दिया गया था, ठीक है ना। हैंस इट्स नॉट ए बिग टैबू, इनसॉल्वेंसी इज नॉट ए बिग टैबू इंडस्ट्री में, ठीक है ना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ।
बिकॉज अगर तुम लोगों को उस तरह का करेज नहीं दोगे तो नोबडी विल इंगेज इन इकोनॉमी, कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा, समझ रहे हैं? तो यू हैव टू प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटी वेयर दे शुड बी एबल टू फेल. अगेन कुछ लोग उसको एक्सट्रीम लेवल पे ले जाते हैं और वो तो क्रॉनिक कैपिटलिज्म हो जाता है, दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग. बट विदाउट गेटिंग इनटू इट, सिंपल ये बोलना चाह रहा हूँ, ट्रिकल डाउन थ्योरी का सिंपल आइडिया ये था कि टॉप स्ट्रेटा को हेल्प करो, दे विल इन्वेस्ट, दे विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड इन द लॉन्ग रन एवरीवन विल बेनिफिट. तो इंडिया जो शुरुआत में ग्रोथ मॉडल टिल आई थिंक 1970 तक 1970-75 तक इंडिया का ग्रोथ मॉडल वॉज बेस्ड ऑन ट्रिकल डाउन थ्योरी. वी हैड अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि अगर इंडिया ग्रोज एट द रेट ऑफ 7% और समथिंग तो हम लोग क्या हो जाएगा, हम अगर इंडिया अगर 7% के रेट से ग्रो करेगा तो हमारे यहाँ से गरीबी खत्म ही हो जाएगा, ठीक है? तो हमारे इनिशियल ईयर्स में खास करके 1950 से उठा के 1970 में पकड़ रहा हूँ, ठीक है 1970 तक पकड़ लो, इस टाइम तक क्या होगा कि हमारा ग्रोथ का मॉडल कैसा था, ट्रिकल डाउन पे था, मतलब आइडियोलॉजी वाज बेस्ड ऑन ट्रिकल डाउन. हमने कभी गरीब लोगों को टारगेट करके फोकस नहीं किया कि गरीब लोगों का मदद करना है. अभी जैसे स्कीम्स आती है ना गरीब लोगों के लिए खास करके, वैसा हमने कभी सोचा नहीं था. हम केवल ध्यान दिए हुए थे कि इंडस्ट्री कैसे लगेगा, एजुकेशन कैसे बढ़ेगा इस पर. देन इट वॉज रियलाइज कि रादर देन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, एक्चुअली इट वॉज लीडिंग टू इंक्रीज इन प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी. तो ये रियलाइज हुआ कि इट्स अ बिग फेल. तो इंदिरा गांधी ने 1975 ऑनवर्ड्स टारगेटेड अप्रोच, तो उस वक्त सुने थे गरीबी हटाओ और गरीबी रिलेटेड ढेर सारे स्कीम आ गए कि गरीबी जो है केवल अमीर को देखने से नहीं हटेगी, गरीबी हटाने के लिए आपको गरीबों तक डायरेक्ट पहुंचना पड़ेगा. तो दिस अप्रोच वाज कॉल्ड टारगेटेड अप्रोच, जिसमें गरीबी हटाओ वगैरह आता है, क्लियर है? और इसी का नेक्स्ट मॉडल आया, कह सकते हो इंक्लूसिव ग्रोथ, जो आज के दिन का मूल मंत्र है. इंक्लूसिव ग्रोथ क्या करता है, कहता है कि ग्रोथ ऐसा करो ताकि सबको बेनिफिट हो, ग्रोथ ऐसा करो कि सबको बेनिफिट हो. तो कहता है कि मतलब ग्रोथ को अगर आपको प्रॉब्लम को गरीबी वगैरह को एड्रेस करना है तो इस तरह से ग्रोथ करो कि सब लोग इंगेज हों. जैसे आजकल तुम सुनते हो गए कि खास करके क्या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वगैरह भी है, बट खास करके कहते हैं कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे फोकस करो क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री रूरल एरिया पे एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करेगा. सबको बोलता है पैसा से जोड़ो, जनधन अकाउंट खोलो ताकि उनको बेनिफिट मिल सके तो डायरेक्ट अकाउंट में जाए, ठीक है? इंक्लूसिवनेस एक अलग टॉपिक है, बट गोल इंक्लूसिव ग्रोथ का क्या है कि ग्रोथ भी होना चाहिए. ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, फोकस ग्रोथ से नहीं हटाना है, बट ग्रोथ इस तरह से करना है ताकि उसका फायदा जो है कमजोर सेक्शन के लोगों को भी मिले, क्लियर है? इतना क्लियर है? ओके. तो ये तीन कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तुमको, इंक्लूसिव ग्रोथ, ट्रिकल डाउन थ्योरी और टारगेटेड अप्रोच. बंद हो गया क्या? लो हो गया. बंद हो गया तो बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बंद कर दो नहीं तो अदरवाइज ऐसे भी वो सेव भी नहीं होगा. सब का मतलब ग्रोथ पे फोकस रखना है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू आल्सो कीप इन व्यू कि गरीब लोग क्या कर रहे हैं.